Hello everyone, so today we are going to understand about the topic of nursery management, right? So we are going to understand that what is a nursery and what are the various activities that are carried out in a nursery, and how a nursery can be prepared or how certain preparations are done for nursery management, right? So we first of all start with the very basic understanding about what is a nursery, right? So nursery is a place where planting materials like seedlings, saplings, right, cuttings, etc. are raised, propagated and multiplied under favorable conditions, right? So nursery एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपका जो planting material है, जैसे कि छोटे प्लांट मटेरियल्स है, जैसे सीडलिंग्स है, मतलब सीड में से नया जो प्लांट आया है, सैपलिंग्स है, कटिंग्स जो भी है, राइट, वो सारे जो भी मटेरियल है, प्लांट मटेरियल, उसको रेज करते हैं, मतलब उनको बड़ा करते हैं, प्रोपोगेट करते हैं, मतलब कि एक में से और बहुत सारे बनाने का ट्राई करते हैं और उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं फेवरेबल कंडीशंस में, राइट. तो ऐसी जो जगह है उसको नर्सरी बोलते हैं. And this is done until they are ready for sale or transplanting at a permanent place or field, right? तो ये जो process है जहाँ पे nursery में plants को बड़ा करते हैं, ये तब तक चलेगा जब तक कि वो plant या तो sale के लिए ready नहीं हो जाता, या तो transplanting उसका कर सके, एक जगह से दूसरी जगह उस लायक हो जाए, तब तक उस plant को nursery में रखते हैं, right? So nursery is basically a place. For example, what happens is that even the young ones of humans also, they are first of all kept in nursery, right? पहले हम जो भी छोटे बच्चे होते हैं उनको पहले नर्सरी में रखा जाता है, राइट. क्यों? बिकॉज नर्सरी, बिकॉज दैट एज ऑफ द किड इज लाइक वेयर you have to take utmost care so that they develop into a healthy individual, right? So same is the thing with plants, where you have to take care of the small plants, of the small baby plants, the saplings, the seedlings, because they these plants are at a tender stage, right? So to avoid the damage of such small plants and saplings, they are also kept in a nursery where they are propagated under favorable conditions so that they can grow into a healthy, disease free individual, right? So basically nursery एक ऐसी जगह है जहाँ पे छोटे plants को बड़ा किया जाता है, उनका ध्यान रखा जाता है, और जब वो उसके लिए ready हो जाए transplanting के लिए या तो sale के लिए, तब उसको nursery से निकाला जाता है, रिमूव किया जाता है, या तो कहीं पे जहाँ पे जिस लोकेशन पे भेजना है वहाँ पे भेजा जाता है, राइट. सो दैट इज़ एक्चुअली व्हाट इज़ नर्सरी. एंड बट फॉर जनरल पब्लिक नर्सरी हैज़ बिकम अ टर्म वेयर इट हैज़ बिकम अ प्लेस फ्रॉम वेयर प्लांट्स कैन बी बॉट. तो हमारे लिए नर्सरी एक्चुअली क्या हो गया है कि अ प्लेस फ्रॉम वेयर वी आर getting our new plants, right? वो जगह जहाँ से हम plants खरीदते हैं हमारे लिए वो nursery है general public के लिए, right? But nursery is basically a place where plants are propagated, right? They are multiplied, they are taken care of at the tender stage of their life, and therefore it is called nursery, right? So हम जो नर्सरीज विज़िट करते हैं यूजुअली, दैट इज़ अ नर्सरी वेयर ओनली प्लांट्स आर सोल्ड, राइट. हम जहाँ पे अक्सर आप लोग भी जिस नर्सरी में जाते होंगे वहाँ पे प्लांट को सेल किया जाता है, प्रोपोगेट बहुत कम किया जाता है. अक्सर कुछ प्लांट्स का प्रोपोगेशन होता है उन नर्सरीज में, बट हर प्लांट का प्रोपोगेशन नहीं होता है. सो लाइक दैट वे नर्सरी डिफर्स ऑल्सो. कुछ नर्सरी सिर्फ सेल के लिए होती है, राइट. कुछ नर्सरीज सिर्फ प्लांट प्रोपोगेट करने का काम करती है. सो बेसिकली नर्सरी इज़ अ प्लेस
where plants are propagated so that they can develop into a healthy individual. So like this, a nursery is a place where हर तरह के plants propagate किए जाते हैं, multiply किए जाते हैं, उनका number increase किया जाता है और उनको वो environment दिया जाता है जहाँ पे वो अच्छे से ग्रो कर सके. नाउ एज वी आर टॉकिंग अबाउट नर्सरी, वी नीड टू नो दैट हाउ शुड बी द लोकेशन ऑफ अ नर्सरी, मतलब नर्सरी कैसी जगह पर होना चाहिए, राइट? सो इट मस्ट बी लोकेटेड इन अ पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट. दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज अगर पॉल्यूशन होगा तो दैट विल लीड टू द सेटलमेंट ऑफ डर्ट एंड डस्ट ओवर द लीफ ऑफ द प्लांट्स एंड दिस विल लीड टू द रिडक्शन ऑफ फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी. तो अगर आपके प्लांट पे अगर पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में नर्सरी बनाया है, फॉर एग्जांपल से आपने किसी इंडस्ट्रियल एरिया में नर्सरी बनाया है, तो क्या होगा कि वहाँ का सब डस्ट डर्ट एवरीथिंग विल सेटल ओवर द लीफ, राइट? एंड दैट विल रिड्यूस द फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी. तो लीफ जो है वो फोटोसिंथेसिस का काम करता है. अब क्योंकि लीफ और सनलाइट के बीच में डर्ट और डस्ट आ जाएगा तो उसकी फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी कम हो जाएगी. एंड देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप जहाँ पे नर्सरी बनाओ इट शुड बी एटलीस्ट मॉडरेटली पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट. लाइक ऐसा नहीं कि पूरा इंडस्ट्रियल एरिया में बना दिया, राइट? सो वी हैव टू टेक केयर अबाउट द एनवायरमेंट इन विच नर्सरी इज़ ग्रोन. It needs to get adequate sunlight. So sunlight is also very important because every plant needs to perform the function of photosynthesis. So it needs to have adequate sunlight. Then there should be protection from severe heat. तो heat से भी protection मिलना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा heat होगा तो बहुत सारे plants ऐसे होते हैं जिनमें burning हो जाता है, और अगर बहुत कम heat होगा तो भी अच्छी बात नहीं है. So it has to be a moderate environment of heat. Then topography should be even. By topography I mean the level of your nursery land. आपका जो नर्सरी का लैंड है वो किस लेवल पे है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो प्लांट्स है जो लैंड है वो कहीं पे ऊपर है कहीं पे नीचे है. सो इट शुड नॉट बी अनइवन. सो द टोपोग्राफी ऑफ द लैंड शुड बी इवन लेवल्ड एट अ प्रॉपर लेवल. ड्रेनेज शुड बी गुड. सो जब भी नर्सरी का लोकेशन सिलेक्ट करें ये बात बहुत ध्यान में रखनी होती है कि ड्रेनेज वहाँ का जो है, मतलब पानी जाने की जो कैपेसिटी है उस एरिया की, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए. क्योंकि कभी भी वाटर लॉगिंग उस एरिया में नहीं होना चाहिए. बिकॉज फॉर एग्जांपल यू आर चूजिंग अ साइट, यू चोज अ साइट एट अ सर्टन प्लेस एंड यू डिडंट नोटिस द ड्रेनेज ऑफ दैट एरिया. आपने फॉर एग्जांपल समर या विंटर में साइट सिलेक्ट कर लिया एंड आपको तब पता नहीं है कि इस एरिया का ड्रेनेज क्या है, राइट? और जब रेनफॉल हुआ तो उस पूरे एरिया में वाटर लॉगिंग हो गया, राइट? सो अगर वाटर लॉगिंग हो जाएगा तो अल्टीमेटली इट इज़ अ हार्म फॉर योर नर्सरी, बिकॉज आपके सारे प्लांट्स पानी में जाएंगे, आपका पूरा नर्सरी पानी में जाएगा, और उसके अलावा प्लांट्स जो है वो कभी भी वाटर लॉगिंग में रह नहीं सकेंगे, सारे रूट्स जो है वो रॉट होके चले जाएंगे, राइट? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड ड्रेनेज एट द लोकेशन ऑफ नर्सरी. Quality of water used is also important. तो आप क्या quality का water use करते हो वो भी important है. For example आप saline and polluted water use करते हैं अगर उस area में अगर इस type का पानी आता है, तो आपको ध्यान रखना है कि either you have to filter it or you have to have some other provision for your nursery, because saline water means salty water and that will lead to salt stress in the plant. तो plant में salt stress होगा तो plant ultimately नहीं रहेंगे, क्योंकि हर plant salt stress को accept नहीं कर सकता.
then if it is polluted water having so much of minerals, calcium, magnesium deposition and all, तो आपका जो plant है उसमें soil के ऊपर भी white deposition देख सकते हैं. तो उस type का soil भी, उस type का water भी avoid करना चाहिए. So you need to have a provision to have a good quality of water. And there should be adequate supply of water, मतलब irrigation. तो पूरे साल नर्सरी में क्योंकि हमने प्लांट्स रखे हैं तो पानी तो चाहिए गई, इसलिए वी नीड टू हैव अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर विच इज़ द इरिगेशन, राइट, विच इज़ कॉल्ड इरिगेशन. सो यू नीड टू हैव अ गुड इरिगेशन सिस्टम इन योर नर्सरी. द एरिया मस्ट बी एक्सेसिबल बाय रोड्स. तो आपका जो नर्सरी है वो रोड से एक्सेसिबल होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि नर्सरी कहीं कहीं पे बहुत अंदर के एरियाज़ में है और आपको बहुत ढूंढना पड़ रहा है, क्योंकि नर्सरी इज़ अ प्लेस जहाँ पे डेली ट्रांसपोर्टेशन होगा. एक जगह से दूसरी जगह आपको प्लांट्स को लेकर जाना है, लेके आना है, राइट. तो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. और आपका नर्सरी एक ऐसी लोकेशन में होना चाहिए जहाँ पर लोगों का ध्यान डायरेक्टली जाए और वो आपकी नर्सरी में आए, राइट. So your nursery should be accessible by road. So should be near to potential markets. As I told that every nursery have to have transportation. तो transportation जो है वो एक market से दूसरे market, एक जगह से दूसरी जगह पर होता है. तो market के पास में आपका nursery होना चाहिए, because अगर transportation में ज़्यादा time लगेगा तो बहुत possible है कि seedlings जो है वो damage हो सकते हैं, right. So that was about the location of nursery. Now we will look into the importance of nursery, right. So why do we need to have nursery? So there are large number of plants that can be grown per unit area. एक यूनिट एरिया में हम बहुत सारे प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं एक नर्सरी में, क्योंकि नर्सरी में हमारे पास जगह होती है. तो हम इन सर्टन एरिया ऑल्सो वी कैन ग्रो मैनी प्लांट्स एंड लाइक दैट वी कैन प्रोपोगेट मैनी प्लांट्स इन नर्सरी टुगेदर. एक्सपेंसिव हाइब्रिड सीड्स कैन बी रेस्ड मोर इफेक्टिवली ड्यू टू बेटर केयर एंड मैनेजमेंट. अब कुछ सीड्स, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके सीड्स हाइब्रिड होते हैं, राइट. वो चीप भी नहीं होता है, इट बिकम्स कॉस्टली, एंड अगर वो वेस्ट हो जाए तो हमारा ही नुकसान है. इसलिए नर्सरी में हम ऐसे सीड्स को अटमोस्ट केयर के साथ अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि नर्सरी में हम पूरा टाइम अपना प्लांट्स डेवलपमेंट के लिए देते हैं. तो वहाँ पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे तो हाइब्रिड सीड्स जो है वो अच्छे से ग्रो होंगे. देन व्हेन सीड्स आर ग्रोन इन सीड बेड्स, जर्मिनेशन परसेंटेज इंक्रीजेस एंड विगर इम्प्रूव्स. तो नर्सरी में सीड बेड बनाया जाता है, मतलब वो जगह जहाँ पे हम सीड्स ग्रो करते हैं, राइट. सो सीड बेड्स में जब हम सीड्स को ध्यान रख के ग्रो करते हैं तो बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि जर्मिनेशन परसेंटेज जो है वो इंक्रीज़ होता है, और सीड्स का विगर, मतलब कि सीड्स की जो कैपेसिटी है जर्मिनेट करने की, वो भी इम्प्रूव होती है, क्योंकि हम पूरा ध्यान रखते हैं. सीड बेड जो होता है वो प्रॉपरली प्रिपेयर किया जाता है, उसमें फर्टिलाइजर्स दिए होते हैं, उसमें से वीडिंग सब किया होता है, राइट. तो उसकी वजह से सीड्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी एफिशिएंसी से ग्रो कर सकता है. देन मैनिपुलेशन फॉर ग्रोइंग कंडीशंस ऑफ प्लांट्स बिकम्स ईजी. मतलब फॉर एग्जांपल कोई प्लांट है, आपने उसे कुछ ग्रोइंग कंडीशन दिया ग्रो करने के लिए, पर यू आर आप रोज़ जब उस प्लांट को देखते हैं, व्हेन यू आर लुकिंग एट दैट प्लांट, यू आर आइडेंटिफाइंग दैट द प्लांट इज़ नॉट ग्रोइंग प्रॉपरली. सो यू कैन चेंज द कंडीशंस अकॉर्डिंगली. आप कंडीशंस में मैनिपुलेशन कर सकते हैं, जैसे कि आप उस प्लांट को ज़्यादा पानी देते थे तो आपको लग रहा है कि ज़्यादा पानी देने से विल्टिंग हो रहा है या फिर येलोइंग हो रहा है, तो आप उस प्लांट को पानी देना थोड़ा कम कर दें. लाइकवाइज यू कैन कीप मैनिपुलेटिंग, तो दैट विल हेल्प द प्लांट टू ग्रो मोर बेटर. देन यूनिफॉर्म ग्रोथ कैन बी ऑब्टेन्ड बाई सिलेक्टिंग विगरस सीडलिंग्स. सो जब आप नर्सरी में कोई भी सीड को ग्रो करने जाते हैं
तो जब सीडलिंग्स बनता है तो आपको ऐसी सीडलिंग्स सिलेक्ट करनी है जो विगरस है, मतलब जो हेल्दी है और जिनमें अच्छे ग्रोथ की कैपेसिटी है. सो दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ यूनिफॉर्म ग्रोथ. ऑफ सीजन सोइंग ऑफ सीड्स बिकम्स पॉसिबल रिजल्टिंग इन मोर रिटर्न्स. अब कुछ कुछ सीड्स जो होते हैं, कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो ऑफ सीजन होते हैं, मतलब कि इट इज़ नॉट अवेलेबल इन एवरी सीजन. सो यू कैन ग्रो, यू कैन कलेक्ट सीड्स ऑफ सच प्लांट्स एंड यू कैन ग्रो इन सर्टन सीजन्स एंड दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ मोर सच ऑफ सीजन प्लांट्स. आप ऑफ सीजन प्लांट्स भी नर्सरी में ग्रो कर सकते हैं. देन सीड रिक्वायरमेंट बिकम्स लेस ड्यू टू बेटर मैनेजमेंट. अब नर्सरी मैनेजमेंट है, दैट मीन्स वी आर मैनेजिंग एवरीथिंग प्रॉपरली. सो वेन यू मैनेज थिंग्स यू यूज़ लेस रिसोर्सेज, राइट? तो रिसोर्सेज को जितने अच्छे से मैनेज करते हैं तो हमें उतना कम उसे यूज़ करना पड़ता है. तो क्योंकि हम सीड को जब ग्रो करना होता है तो वी मेक सीड बेड्स एंड वी प्रॉपरली प्लांट एवरी सीड एंड देयरफॉर दिस लीड्स टू लेस रिक्वायरमेंट ऑफ सीड. इसलिए हमें जब प्लांट्स ग्रो करने होंगे तो बहुत ज़्यादा सीड्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जो भी सीड्स यूज़ करेंगे दैट विल ग्रो इनटू न्यू प्लांट. मैनेजमेंट ऑफ इंसेक्ट पेस्ट इज़ ईजी इन अ नर्सरी. तो नर्सरी में बेसिकली सारे प्लांट्स एक साथ होते हैं, तो आप एक साथ उस प्लांट को इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड से स्प्रे कर सकते हैं और टेक केयर कर सकते हैं, तो वो मैनेजमेंट ईजी हो जाता है क्योंकि सारे प्लांट्स एक साथ हैं. देन प्लांट्स हुज सीड्स आर नॉट अवेलेबल कैन बी ऑब्टेन्ड ईजीली एवरी ईयर. तो बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके सीड्स आपको मार्केट में ईजीली अवेलेबल नहीं होते, तो ऐसे जो सीड्स हैं वो भी आप नर्सरी में जब आप प्लांट्स ग्रो करते हैं तो यू कैन कीप ऑन कलेक्टिंग. फॉर एग्जाम्पल कोई प्लांट है, उसने जून में सीड्स दिया तो आपने उस सीड्स को कलेक्ट कर लिया, राइट? एंड देन यू कैन ग्रो योर प्लांट्स अगेन नेक्स्ट टाइम विद दैट सीड्स दोज यू हैव कलेक्टेड, राइट? सो दो सीड्स कैन बी यूज्ड फॉर कलेक्शन, फॉर ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स इन द नेक्स्ट राउंड इन योर नर्सरी, राइट? सीड्स ऑफ प्लांट्स दैट हैव सीड्स ओनली एट सर्टन टाइम कैन बी कलेक्टेड when raised in nursery and then can be used in nursery. So same point that I said के time के कुछ year में जब कुछ plant seeds देते हैं तो आप उसको collect करके रखो, and वो जो हमने collect करके रखा उसको हम nursery में दोबारा से grow कर सकते हैं. Slow growing species can be taken care in nursery beds and then transferred when it matures. अब कुछ species ऐसी होती है जो slow growing है, धीरे grow होती है, तो उसका भी हम nursery में अच्छे से ध्यान रख सकते हैं, और एक बार वो अच्छे से grow हो जाए, mature हो जाए, फिर उसको transfer कर सकते हैं. Success of road side avenue plantation depends on nursery supply of tall plants. तो ये बहुत important point है. हम कहीं पे भी रोड साइड में जो भी ट्रीज देखते हैं, या फिर किसी गार्डन में ट्री देखते हैं, या फिर गार्डन में प्लांट्स देखते हैं, तो वो सब आता कहाँ से है? दैट इज़ बेसिकली सप्लाई फ्रॉम नर्सरी. तो आपके आसपास, उस एरिया के आसपास जो भी नर्सरी रही होगी, या फिर जहाँ भी नर्सरी रही होगी वहाँ से प्लांट्स कलेक्ट किए गए होंगे जब वो छोटे थे, राइट? फॉर एग्जांपल मीडियम साइज़ के हुए होंगे तब उन ट्रीज़ को लिया होगा, और फॉर एग्जांपल अगर रोड साइड में एवेन्यू बनाना है तो वो मीडियम साइज़ के प्लांट्स वहाँ पे इंस्टॉल किए होंगे, और फिर विद इन सर्टन ईयर्स दोस ट्री ग्रू एंड बिकेम गिव branches and that lead to formation of avenue, right? So कोई भी gardening में या फिर कहीं पर भी जहाँ पर भी आप plants देखते हो, वो सारे plants ultimately nursery supply ही होते हैं. तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी nursery से उन plants को लिया गया होता है. So if nursery is not there, then from where these plants can be obtained?
देन रेयर प्लांट्स कैन बी टेकन केयर ऑफ इन द नर्सरी, राइट? तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो रेयर होते हैं हर तरह के एनवायरनमेंट में और हर जगह आपको दिखते नहीं हैं, तो ऐसे प्लांट्स को भी आप नर्सरी में प्रॉपर एनवायरनमेंट दे के ग्रो कर सकते हैं, राइट? सो दैट वॉज अबाउट सर्टन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट नर्सरी एंड वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, राइट? सो That is done. Now we will move towards the understanding of types of nursery. मतलब नर्सरी कितने टाइप की होती है. So the nursery can be divided into following types based on certain criteria. That is on the basis of duration, on the basis of plant produced, on the basis of structures used, on the basis of irrigation facility. एंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सेल, राइट? तो इतने टाइप इतने क्राइटेरियाज के बेसिस पे बाइफोकेशन नर्सरी के टाइप्स का किया जा सकता है. सो वी फर्स्ट ऑफ ऑल लुक इन टू द टाइप ऑफ नर्सरीज ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, राइट? सो दीज आर बेसिकली परमानेंट नर्सरी एंड टेम्पररी नर्सरी. मतलब आपकी जो नर्सरी है वो परमानेंट है कि टेम्पररी है, यानी कि ड्यूरेशन क्या है, राइट? तो परमानेंट नर्सरी में क्या होता है, प्लांट्स आर नरिश्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. तो आपका जो प्लांट है उसे बहुत लंबे टाइम के लिए नरिश किया जाता है टिल दे आर सोल्ड आउट और परमानेंटली प्लांटेड इन द फील्ड. तब तक उसे नरिश करते हैं जब तक कि वो प्लांट जो है या तो बिक ना जाए या तो उसे कहीं और पे ट्रांसफ़र नहीं किया जाता, राइट? सो This is established for large scale plantation of plant material on long term basis. So basically permanent nursery किसके लिए होता है कि ऐसी nursery जहाँ पे permanently plant को continuously grow किया जाता है एक cycle के बाद दूसरा cycle तीसरा cycle like this year round propagation of plants takes place for large scale plantation, right? और ये long term basis होता है तो इसलिए इसको permanent nursery बोलते हैं. Whereas a temporary nursery is developed to fulfill seasonal requirements or targeted projects. तो temporary nursery जो होता है वो certain requirements को fulfill करने के लिए बनाया जाता है, जैसे कि कुछ seasonal requirement है, मतलब कि for example सिर्फ winter growing plants ही grow करने हैं तो वो nursery सिर्फ कुछ time के लिए रहेगा, सिर्फ winter वाले plants grow हो जाए तब तक रहेगा तो उसे टेम्पररी नर्सरी बोलते हैं. और टारगेटेड प्रोजेक्ट, जैसे कि गवर्नमेंट ने कुछ प्रोजेक्ट्स दिए हो कि हमें रोड साइड प्लांटेशन करना है तो उसके लिए प्लांट्स डेवलप करने हैं, प्लांट्स बनाने हैं, प्लांट्स को ग्रो करना है, तो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कितनी बार नर्सरी बनाया जाता है. तो जब टेम्पररी नर्सरी बनाते हैं तो दैट इज़ यूजुअली स्मॉल इन साइज एंड फॉर अ शॉर्ट पीरियड, छोटे टाइम के लिए होता है और छोटी साइज का होता है. एंड जब इसका काम हो जाता है तो सर्च नर्सरीज आर एबंडेंट और वाइंड अप लेटर ऑन. तो जैसे ही टेम्पररी नर्सरी का काम ख़त्म हो गया, उसका रिक्वायरमेंट ख़त्म हो गया, टारगेट ख़त्म हो गया तो उस नर्सरी को वाइंड अप कर दिया जाता है. सो दैट इज़ कॉल्ड अ टेम्पररी नर्सरी. So, permanent nursery need to have large and well connected by road. तो permanent nursery बड़ा होना चाहिए और road से connected होना चाहिए. But इसका characteristic ये है कि permanent nursery का initial cost जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको investment पहले करना पड़ता है. अगर आपको एक अच्छी permanent nursery बनानी है तो इट रिक्वायर्स अ गुड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फर्स्ट, बिकॉज आपको प्लांट्स मंगवाने पड़ेंगे, आपको शेड बनाना पड़ेगा, इरिगेशन फैसिलिटीज़ करनी पड़ेगी, सॉइल प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो इट विल रिक्वायर अ हाई इनिशियल कॉस्ट. सो एनी परमानेंट नर्सरी शुड हैव नर्सरी बेड्स, प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर्स, मतलब नर्सरी को प्रोटेक्ट करने का स्ट्रक्चर होना चाहिए, ऑफिस, स्टोर रूम, मदर ब्लॉक मतलब कि जो पेरेंट प्लांट है वो होना चाहिए, इरिगेशन फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन पाथ्स, पैकिंग यार्ड. सो अ गुड नर्सरी विच इज़ अ परमानेंट नर्सरी विल हैव अ हाई इनिशियल कॉस्ट, बिकॉज ये सारी चीज़ें उस नर्सरी में होनी चाहिए.
Now, a temporary nursery is a place where intensive manuring and fertilization are not required. तो temporary nursery है, आपको बहुत ज़्यादा plants का ध्यान नहीं रखना है क्योंकि ये certain targeted projects के लिए बना होता है. And this type of nursery is usually located near a planting site. मतलब आपको अपना target जहाँ पे complete करना है उस target site के पास ही ऐसी nursery बनाई जाती है. तो डिस्टेंस कम होता है टारगेट एरिया से और इसलिए ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट भी लो होता है. इट डज नॉट रिक्वायर स्पेशल सुपरविजन. स्पेशल सुपरविजन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप यहाँ पे हर तरह के प्लांट नहीं ग्रो कर रहे. सर्टन टाइप ऑफ सीजनल या तो टारगेटेड प्लांट्स ही ग्रो कर रहे हैं. एंड बट सिक्योरिटी इज़ इम्पॉर्टेंट. पर हाँ, सिक्योरिटी की ज़रूरत है बिकॉज नर्सरी है, प्लांट्स है, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं, एनिमल्स आ सकते हैं, कितनी बार कुछ और प्रोटेक्शन प्रॉब्लम्स हो सकती है. सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ सिक्योरिटी बट इट डज नॉट रिक्वायर स्पेशल सुपरविजन, राइट. एंड ऑफकोर्स इट हैज़ लो इनिशियल कॉस्ट बिकॉज आपको हर चीज़ जो परमानेंट नर्सरी में हमें चाहिए वो हर चीज़ हमें टेम्पररी नर्सरी में नहीं चाहिए और इसलिए इसका इनिशियल कॉस्ट लो होता है सिंस ऑल फैसिलिटीज़ आर नॉट अवेलेबल. नाउ द नेक्स्ट क्राइटेरिया इज़ द टाइप ऑफ नर्सरी ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट प्रोड्यूस्ड, राइट. सो दिस इज़ ईजी बाइफोकेशन. यू ऑल कैन अंडरस्टैंड दैट फ्रॉम द नेम ओनली. द फर्स्ट इज़ ऑर्नामेंटल नर्सरी, second is vegetable nursery, third is fruit nursery and fourth is forest nursery, right. So by the name itself we can say ornamental nursery is a nursery where ornamental plants are developed, right. So seedlings, rootstocks, scion material of ornamental plants are raised and conserved for further use. तो यहाँ पे ऑर्नामेंटल प्लांट्स का जो भी प्रपोगेटिंग मटेरियल है, सिडलिंग्स है, रूट स्टॉक है, स्कियन है, वो सबको यहाँ पे रेस किया जाता है. दिस ऑल्सो इंक्लूड्स मदर ब्लॉक्स ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स. सो जो पेरेंट प्लांट है जहाँ से आप प्रपोगेशन के लिए कटिंग्स वगैरह यूज़ करते हैं वो सब इंक्लूड होता है. प्रोड्यूसिंग स्कियन मटीरियल फॉर बडिंग एंड ग्राफ्टिंग. सो आई होप you all know that what is budding and grafting. It requires a stalk and scion. So scion material ko develop produce karna budding or grafting procedure ke liye, wo sab ornamental nursery mein hota hai. Separate block for bulb and tuber crops are also there. So ornamental nursery mein bulb or tuber crops jo hote hai, jaise ki lily jo hota hai wo बल्ब और ट्यूबर क्रॉप्स में आता है. तो ऐसे प्लांट्स भी ऑर्नामेंटल नर्सरी में उनका अलग ब्लॉक होता है. क्लाइंबर्स, क्रीपर्स जो आपके घर के लुक को एनहांस करते हैं, ऐसे प्लांट्स भी यहाँ पे इंक्लूड होते हैं. इट ऑल्सो हैज़ इंडोर एंड आउटडोर प्लांट्स. तो बहुत सारे डेकोरेटिव इंडोर और आउटडोर प्लांट्स होते हैं वो सब यहाँ पे इंक्लूड होता है. Now coming to the next type of nursery, that is vegetable nursery, where seedlings of vegetables, rooted cuttings like asparagus and sweet potato are all propagated over here. Rhizome plants jaise ki ginger, tubers jaise ki potato, bulbs, onions and garlics are all propagated in a vegetable nursery. So vegetable nursery is a place basically जहाँ पे आपके जितने भी vegetables हैं उनको आप take care करते हैं, उनको grow करते हैं, right? तो इस तरीके से vegetable nursery हो सकता है. Then fruit nursery is a place where cuttings of root stocks, budded plants, grafts, layers and cuttings of fruit trees are propagated. राइट, मतलब फ्रूट ट्रीज़ के जो भी कटिंग्स हैं, जो भी रूट स्टॉक है, जो भी ग्राफ्ट का लेयरिंग के लिए जो भी आपने कटिंग किया है, स्कियन स्टॉक, वो सब यहाँ पे मेंटेन होता है. इट ऑल्सो हैज़ मदर ब्लॉक्स फॉर डिफरेंट फ्रूट क्रॉप्स. तो जो अलग अलग फ्रूट क्रॉप्स होते हैं उनके लिए भी मदर ब्लॉक्स यहाँ पे बने होते हैं. नाउ फॉरेस्ट नर्सरी इज़ अ प्लेस वेयर डिफरेंट स्पीशीज ऑफ ट्रीज एंड क्लाइंबर प्लांट्स, क्लाइंबर्स that are present in forests
आर एक्चुअली ग्रोन इन दिस काइंड ऑफ नर्सरी. मतलब यहाँ पे यूजुअली लार्ज ट्रीज जो होते हैं और ऐसे क्लाइंबर्स जो फॉरेस्ट में ग्रो होते हैं, ऐसे क्लाइंबर्स को फॉरेस्ट नर्सरी में ग्रो किया जाता है. दिस इज़ यूज्ड इन सोशल फॉरेस्ट्री. अब सोशल फॉरेस्ट्री आई थिंक आप लोग सब पढ़े हुए होंगे. दिस इज़ अ टर्म विच सेज दैट ट्रीज एंड ह्यूमंस शुड लिव इन अ म्यूचुअल इंटरैक्शन सो दैट ट्रीज बिकम यूजफुल टू ह्यूमंस एंड ह्यूमंस ऑल्सो टेक केयर ऑफ द ट्रीज. So that is social forestry, and most of the plants that are propagated in a forest nursery are used in social forestry, where plantation is done along roads, gram panchayat land, gardens. यहाँ पे जो भी plantations होता है वो सब forest nursery से आता है. Forests or plantation set up by communities and tribes. So this is basically plantation of trees that leads to formation of forest kind formation that is with the help of various human communities and the tribal communities, right? So all the such plants comes from forest nursery. Yeah, so big trees like margosa, gulmohar, amaltas, tamarind, so all kind of big trees are grown in forest nurseries, right? So this is one criteria. Then another criteria is on the basis of structure used. So mainly there are two types of nursery based on this, that is open field nursery and high tech nursery. Now open field nursery are established in open areas. तो जहाँ पे खुली जगह है, जहाँ पे ऊपर कोई permanent structure नहीं है, यानी कि ऊपर कोई शेड जैसा structure नहीं है, खुली एरिया में, खुले लैंड में जब नर्सरी बनाते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड ओपन फील्ड नर्सरी. बट सच नर्सरी बिकम्स वल्नरेबल टू नेचुरल एनवायरनमेंट, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट आती है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है, तो ऐसा जो नर्सरी होता है बहुत चांसेस है कि नेचुरल एनवायरनमेंट डायरेक्टली आने की वजह से प्लांट्स जो है उनको हार्म हो सकता है. तो इस तरह का जो नर्सरी है दैट इज़ कॉल्ड ओपन फील्ड नर्सरी. एज यू कैन सी देर इज़ नो प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर, राइट? नाउ हाईटेक नर्सरी कैन बी डिवाइडेड इनटू दीज फोर टाइप्स. दीज आर थैच्ड रूफ नर्सरी, शेड नेट नर्सरी, पॉलीटनल नर्सरी एंड ग्रीन हाउस और पॉली हाउस. सो एज द नेम सजेस्ट, as the name suggests, thatched roof nursery is a nursery that have thatched roof constructed over nursery beds. तो nursery bed जो है, जैसे कि ये nursery bed है, तो इसके ऊपर जो roof होगा वो thatched roof होगा. तो इसको thatched roof बोलते हैं, जो dry raw material, जो grasses होते हैं उससे बनाया जाता है. तो दिस इज़ जस्ट अ रूफ दैट आई हैव केप्ट दैट यू कैन अंडरस्टैंड. तो रूफ अगर थैच्ड रूफ हो तो उसको थैच्ड रूफ नर्सरी बोलते हैं. शेड नेट इज़ रेस्ड अंडर शेड नेट हाउसेस. सो दिस अवेल्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ शेड टू प्लांट्स एज पर योर रिक्वायरमेंट्स. तो यहाँ पे क्या करते हैं, शेड नेट दे देते हैं ग्रीन कलर का, राइट? ग्रीन कलर का नेट यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से अलग अलग अमाउंट ऑफ शेड मिलता है प्लांट को उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से. तो शेड्स ऑफ डिफरेंट कलर और मेश साइजेस आर अवेलेबल. तो अलग अलग कलर के शेड्स होते हैं, बट यूजुअली आपने देखा होगा कि ग्रीन हाउसेस में नर्सरीज में ग्रीन शेड यूज़ होता है, राइट? सो दैट इज़ अ शेड नेट नर्सरी. देन पॉलीटनल कवर्ड विथ अ प्लास्टिक फिल्म और शीट टू फॉर्म अ टनल. सो दिस इज़ अ नर्सरी वेर यू कैन सी कि प्लास्टिक शीट यूज़ करके एक टनल जैसा अरेंजमेंट करते हैं. सो दिस इज़ अ मिनिएचर स्ट्रक्चर फॉर्मिंग ग्रीन हाउस लाइक इफेक्ट. अब ग्रीन हाउस का इफेक्ट मिले इसलिए ये स्ट्रक्चर रेस करते हैं. दिस इज़ नॉट एक्चुअल ग्रीन हाउस, बट दिस इज़ लाइक
अ ट्रायल टू मेक ग्रीन हाउस. तो यहाँ पे प्लास्टिक शीट यूज़ करते हैं, राइट? सो टनल जैसा अरेंजमेंट होता है. सो नॉट एक्सपेंसिव, इजी टू डिसमेंटल. ये बहुत एक्सपेंसिव नहीं होता क्योंकि आपने प्लास्टिक शीट यूज़ किया है. सिडलिंग्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेरियस एनवायरमेंटल फैक्टर्स. तो यहाँ पे सिडलिंग्स को अलग अलग फैक्टर्स से प्रोटेक्शन मिल सकता है, राइट? सो फॉर दोज हु डू नॉट नो वट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट, इज़ लाइक सनलाइट डायरेक्टली इस पर गिरती है. जैसे सनलाइट इस पर गिरेगा, इस प्लास्टिक शीट पे, सनरेज अंदर जाएगी लेकिन अंदर ट्रैप हो जाएगी सनरेज, और अंदर जो है वार्म एनवायरनमेंट क्रिएट होगा जिसकी वजह से प्लांट्स को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा ग्रो करने के लिए, और प्रोटेक्शन तो मिलेगा ही, राइट? सो दैट इज़ ग्रीन हाउस. बेसिकली दिस इज़ नॉट एक्चुअल ग्रीन हाउस बट इट वर्क्स लाइक अ ग्रीन हाउस. नाउ द फोर्थ टाइप ऑफ नर्सरी इज़ ग्रीन हाउस और पॉली हाउस. सो दिस इज़ अ टोटली फ्रेम्ड स्ट्रक्चर. यहाँ पे बहुत सारी फ्रेमिंग करनी पड़ती है विच इज़ कवर्ड बाय पॉलीफिल्म और शेड नेट और ग्लास, ठीक है? ये जो नर्सरी होता है ये मेनली ग्लास का होता है, या तो पॉलीफिल्म से बना होता है या तो शेड नेट से बना होता है. सो प्लांट्स ग्रो इन पार्शली और कम्प्लीटली मॉडिफाइड एनवायरमेंट. अब यहाँ पे अंदर मॉडिफाई किया जाता है एनवायरमेंट, इनफैक्ट हो जाता है अपने आप, क्योंकि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट आता है, ग्लासेस लगे हुए हैं, राइट? यू हैव टू इमेजिन अ कार. अगर आप किसी कार को गर्मी में रख दो तो क्या होता है, जब आप बाद में एक घंटे बाद आते हैं और वो कार को खोलते हैं तो अंदर से कार बहुत गर्म हो जाती है, राइट? सो सेम हैपन्स हियर इन ग्रीन हाउस, वेर ग्रीन हाउस इफेक्ट्स गेट क्रिएटेड. तो अंदर जो है वार्म एनवायरनमेंट रहता है, पर ग्लास की वजह से प्रोटेक्शन रहता है तो प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर पाते हैं. दीज हैव वेंटिलेशन, दीज आर वेंटिलेटेड एंड हैव टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंट्रोलिंग डिवाइस. तो हर तरह का कंट्रोलिंग डिवाइस भी ग्रीन हाउस में प्रेजेंट होता है. वेंटिलेशन होता है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सब कुछ कंट्रोल किया जा सकता है. ओके, सो दीज आर ग्रोन ऑन रेज बेड और प्लग्ड रेज. ओके, दीज पॉइंट वी कैन अंडरस्टैंड लेटर ऑन. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ नर्सरी, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी. सो दीज आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, ड्राई नर्सरी एंड वेट नर्सरी. सो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड बाई द नेम इट सेल्फ दैट ड्राई नर्सरी इज मेंट फॉर ड्रॉट रेजिस्टेंट एंड हार्डी प्लांट्स. तो ऐसा नर्सरी जहाँ पे आर्टिफिशियल वाटरिंग नहीं किया जाता, मतलब कुछ एक्स्ट्रा वाटर नहीं दिया जाता, इरिगेशन फैसिलिटी नहीं होती, उसको ड्राई नर्सरी बोलते हैं. सो हम यहाँ पे कैसे प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं? वी कैन ग्रो सच प्लांट्स दैट आर ड्रॉट रेजिस्टेंट एंड हार्डी. सो दिस इज़ नॉट वेरी सक्सेसफुल एज इट इज़ डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल. तो क्योंकि आर्टिफिशियल वाटरिंग नहीं दे रहे तो उसकी वजह से ड्राई नर्सरी जो है वो टोटली रेनफॉल पे डिपेंडेंट है. तो रेनफॉल होगा नहीं होगा ये डिसाइड करेगा कि ड्राई नर्सरी का फेट क्या होगा, राइट? एंड सो देयरफॉर दिस इज़ नॉट वेरी सक्सेसफुल. एंड वेट नर्सरी इज़ अ प्लेस वेर देर इज़ परमानेंट प्रोविजन ऑफ इरीगेशन वाटर. जहाँ पे परमानेंटली इरीगेशन वाटर ईयर राउंड अवेलेबल है उसको वेट नर्सरी बोलते हैं. तो क्योंकि यहाँ पे वाटर हमेशा अवेलेबल है तो हर तरह के प्लांट मटेरियल को यहाँ पे रेस किया जा सकता है. सो इफ़ यू हैव अ नर्सरी विच इज़ वेट एंड परमानेंट, राइट, दिस इज़ अ कॉमर्शियल वेंचर. तो अगर जैसे हमने परमानेंट नर्सरी पढ़ा एंड टेम्पररी नर्सरी पढ़ा, तो आप जितनी भी नर्सरीज देखते हैं वहाँ पे यूजुअली परमानेंट नर्सरी होता है और वेट नर्सरी होता है, मतलब इरिगेशन हमेशा अवेलेबल होता है. तो वो एक कॉमर्शियल वेंचर हो जाता है, वो एक बिजनेस हो जाता है. और ये एक अच्छा बिजनेस है जहाँ पे नर्सरी अगर आपकी परमानेंट है और वेट नर्सरी है तो दैट इज़ अ कॉमर्शियल वेंचर. दो इट रिक्वायर्स हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट बट लेटर ऑन दैट कुड बी कवर्ड, that gets covered because of people getting interested in to buying plants, right?
एंड द नेक्स्ट टाइप ऑफ नर्सरी इज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सेल, मतलब किस टाइप के सेल के लिए नर्सरी बना है. सो दैट इज रिटेल नर्सरी. सो रिटेल नर्सरी इज फॉर द सेल टू द जनरल पब्लिक. तो आप जो नर्सरी में जाते हैं अक्सर कभी भी प्लांट लेने, तो दैट इज़ अ रिटेल नर्सरी. सो दीज आर स्मॉल लोकली ओन्ड नर्सरीज, राइट, एंड दैट सेल सीजनल एनुअल ऑर्नामेंटल ट्रीज, अदर लैंडस्केपिंग प्लांट्स एंड गार्डन डेकोरेशंस. तो ये लोकल नर्सरीज होती है, राइट, एंड ये जो नर्सरीज होती है ये यूजुअली कहीं और दूसरी नर्सरी से प्लांट्स मंगवाते हैं, एंड वहाँ पे सीजनल एनुअल्स, हर तरह का ऑर्नामेंटल्स, लैंडस्केपिंग प्लांट्स, गार्डन डेकोरेशंस के प्लांट्स रिटेल नर्सरी में सेल होते हैं. तो याद रखना कि आप लोग जो नर्सरी अक्सर विजिट करते हैं आपके आसपास, वो एक रिटेल नर्सरी होता है. देन होलसेल नर्सरीज यूजुअली ग्रो प्लांट्स इन बल्क फॉर द पर्पज़ ऑफ सेलिंग टू लार्ज क्लाइंट्स. तो ये होलसेल नर्सरीज जो है वो ऐसी नर्सरी है जो बल्क में प्लांट सेल करती है, मतलब जैसे कि एक साथ 50 प्लांट सेल किए, तो एक साथ 50 प्लांट कौन से क्लाइंट्स को चाहिएगा? ऐसे क्लाइंट्स जो इंस्टीट्यूशंस के हैं, जो कॉलेज के हैं, राइट, दे ऑल रिक्वायर मैनी प्लांट्स टुगेदर. और या तो फिर बल्क में किनको चाहिए? रिटेल नर्सरी वालों को चाहिए. तो होलसेल नर्सरीज जो होती है वो रिटेल नर्सरी को प्रोवाइड करती है बल्क में प्लांट्स, सो दिस सप्लाई टू अदर नर्सरीज. थर्ड इज प्राइवेट नर्सरी विच ग्रोस प्लांट एक्सक्लूसिवली फॉर अ सिंगल क्लाइंट. तो ऐसी नर्सरी जो सिर्फ उनका क्लाइंट सिर्फ कोई एक ही होता है, तो ऐसी जो नर्सरीज है उसको प्राइवेट नर्सरी बोलते हैं. सो दे इंक्लूड लार्ज, इनके क्लाइंट्स कौन होते हैं? लार्ज एस्टेट्स, कॉरपोरेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस, बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनीज है, इंस्टीट्यूशंस है, तो ये सब इनके क्लाइंट्स होते हैं. देन मेल ऑर्डर और ऑनलाइन शॉपिंग. सो वी नो दैट नाउ अ डेज देर आर ऑनलाइन नर्सरीज ऑल्सो, लाइक फॉर एग्जाम्पल द वन आई नो इज़ ugao.com, राइट. सो लाइक दिस देर आर मैनी ऑनलाइन नर्सरीज इफ़ यू नाउ गो एंड सर्च. सो दे हैव देयर ओन ऑनलाइन शॉपिंग कैटलॉग्स जहाँ पे वो लोग प्लांट्स के पिक्चर्स रखते हैं और उसका प्राइस बताया होता है, लोग ऑनलाइन भी खरीदते हैं. सो दिस इज़ प्राइवेटली ओन्ड. सो या ओके, वॉट कुड हैपन इज दैट प्राइवेटली ओन्ड रिटेल होलसेल बिजनेसेस मे ऑल बी इन्वॉल्व इन मेल ऑर्डर बिजनेसेस. अब ये जो तीनों आपने नर्सरी देखी, ये तीनों की अपनी खुद की ऑनलाइन नर्सरी भी हो सकती है क्योंकि इनके पास प्रोडक्ट्स हैं, राइट. तो ये अपने प्रोडक्ट्स ऑनलाइन कैटलॉग बना के भी रख सकते हैं, या तो मेल ऑर्डर से भी ये लोग सेल कर सकते हैं, राइट. सो ऑल ऑफ दिस नर्सरीज कुड हैव देयर ओन ऑनलाइन शॉपिंग साइट एंड दे कैन हैव देयर ओन मेल ऑर्डर नर्सरी, राइट. ओके, सो दैट वाज अबाउट द types of nursery. Now we move towards the understanding of nursery bed, right. So what is a nursery bed? This refers to a land which is made free from weeds, stumps, pebbles, stones, etc., which is used for sowing of seeds to raise seedlings and multiplication. सो नर्सरी बेड मतलब ऐसा लैंड जहाँ पे, जिस लैंड में से आपने सारी ही अनवांटेड चीज़ें रिमूव कर दी है, जैसे वीड्स, आपने वीड्स निकाल दिए उस लैंड में से, स्टम्स, पेबल्स, स्टोन्स, सब कुछ निकाल दिया, विच इज़ यूज फॉर सोइंग ऑफ सीड्स, और फिर उस लैंड को आप सीड सो करने के लिए यूज़ करते हो जिससे कि उसमें से सिडलिंग्स बन सके और मल्टीप्लाई कर सको. तो बेसिकली वो लैंड जहाँ पे आप अपने नर्सरी के प्लांट्स को ग्रो करते हो उसको नर्सरी बेड बोलते हैं. सो प्रिपरेशन ऑफ नर्सरी बेड आर यूजुअली डन इन थ्री वेज. तीन तरह के नर्सरी बेड्स होते हैं, संकन बेड, लेवल बेड एंड रेस्ड बेड. सो संकन बेड, एज द नेम सजेस्ट,
this is a bed that is kept 10 to 15 centimeter below ground level. संकन मतलब बिलो, राइट, एक एक लेवल से थोड़ा नीचे होता है तो उसको संकन बेड बोलते हैं. तो संकन बेड जो है इसको 10 टू 15 सेंटीमीटर, आपका जो एक्चुअल ग्राउंड लेवल है उससे 10 टू 15 सेंटीमीटर नीचे बनाया जाता है, राइट. सो सच बेड इज़ मेड इन ड्राई एंड विंडी एरियाज़. तो जो ड्राई एरियाज़ होती है या तो विंडी एरियाज़ जो होता है वहाँ पर संकन बेड बनाते हैं. सो एज़ यू कैन सी दिस इज़ अ संकन बेड, राइट. वाई इज़ संकन बेड मेड? बिकॉज दिस हेल्प्स इन कंजर्विंग वाटर. क्योंकि अगर ये लेवल में होगा अगर ये बेड, तो वाटर कंजर्व नहीं हो पाएगा ड्राई एरिया में, क्योंकि ड्राई एरिया में रेन कम होता है. तो यहाँ पे वाटर कंजर्व करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है. तो संकन बेड होगा तो वाटर विल गेट कंजर्व्ड. दिस फैसिलिटेट्स डिपोजिशन ऑफ इरीगेटेड वाटर और रेन वाटर. तो आपका जो रेन वाटर है या तो जो इरीगेशन का वाटर आया उसका डिपोजिशन यहाँ पे होगा संकन बेड में, जिसकी वजह से प्लांट का ग्रोथ ड्राई एरिया में अच्छा होगा. दिस ऑल्सो प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम विंड एज दे आर कवर्ड. संकन बेड को कवर कर दिया जाता है तो उसको विंड से भी प्रोटेक्शन मिलती है, राइट. Now coming to the next type of bed, that is level bed. So level bed is where the whole area is divided into uniform size of small beds. So this is a level bed. As you can see, जो आपका ground level है उसके level में ही इस bed को बनाया जाता है. तो आपका पूरा जो land है उसको uniform size के small beds में divide करते हैं. Here irrigation channels are prepared between the rows of the bed through which each row of bed is connected. तो irrigation channels बनाए होते हैं हर एक row के बीच में, और ये जो row है वो ये जो irrigation channel है वो हर एक row को पानी देता है, right? So level bed is basically bed that is at your normal ground level. These act as drainage channels in case of heavy rain or excess irrigation. ओके, यहाँ पे जो पॉइंट बोला है कि इरिगेशन चैनल्स आर प्रिपेयर्ड बिटवीन द रोज ऑफ द बेड थ्रू विच ईच रो ऑफ बेड इज़ कनेक्टेड, मतलब हर एक दो रो के बीच में एक इरिगेशन चैनल दिया है, मतलब कि एक क्या बोलते हैं कैनाल जैसा दिया है. तो क्या होगा कि जब एक्सेस इरिगेशन या हैवी रेन होगा, बहुत ज़्यादा पानी होगा, तो उस कैनाल में से पानी जो है वो ड्रेन हो जाएगा, और जिससे लेवल बेड जो है वो ख़राब नहीं होगा. सो हियर बेड इज़ प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग नॉन रेनी सीजन सो देर इज़ नो वाटर लॉगिंग. तो ऐसा टाइप का जो बेड है वो रेनी सीजन में बनाया जाता है, क्योंकि उस वक्त वाटर लॉगिंग नहीं होगा. प्रेफरेंस फॉर सैंडी और सैंडी लोम सॉइल इज़ गिवन. हमेशा जब भी सॉइल यूज़ करते हैं तो या तो सैंडी या सैंडी लोम सॉइल यूज़ करते हैं लेवल बेड में, क्योंकि सैंडी सॉइल जो होता है उसका ड्रेनेज अच्छा होता है. इफ़ यू डू नॉट नो, सैंडी सॉइल जो होता है दैट इज़ रेती, राइट. तो अगर आपको पता होगा कि रेती में पानी डालो तो तुरंत वो ड्रेन हो जाता है, राइट. सो सैंडी सॉइल इज़ यूज्ड इन सच केसेस एंड एडिक्वेट ड्रेनेज प्रोविजन इज़ ऑल्सो मेड. तो इनफ ड्रेनेज रहे ताकि बेड्स जो है वो ख़राब ना रहे, उसका प्रोविजन यहाँ पे रखा जाता है. नाउ नेक्स्ट इज़ रेज्ड बेड. दिस इज़ प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग रेनी सीजन. रेनी सीजन में रेज्ड बेड बनाते हैं. सो दिस इज़ प्रिपेयर्ड अबाउट 15 सेंटीमीटर्स हाई फ्रॉम द ग्राउंड लेवल. तो ग्राउंड लेवल से 15 सेंटीमीटर ऊपर बनाओ तो दैट इज़ कॉल्ड रेज्ड बेड, राइट. सो दिस इज़ द विड्थ एंड द लेंथ. सो रेज्ड बेड जो होता है वो इस तरीके से होता है, आपका जो एक्चुअल ग्राउंड लेवल है उससे थोड़ा ऊपर बनाते हैं. दैट एनेबल्स एडिक्वेट ड्रेनेज ड्यूरिंग रेन्स. तो बारिश के वक्त अगर बहुत ज़्यादा बारिश गिरती है तो वाटर जो है वो स्टैगनेट ना हो और फ्लो होके नीचे चला जाए, इसीलिए रेज्ड बेड बनाते हैं. दिस चेक्स वाटर स्टैग्नेशन. तो वाटर जो है वो बेड पे स्टैग्नेट नहीं होके रहेगा, मतलब स्टिल नहीं रहेगा, जिसकी वजह से प्लांट्स अच्छे से ग्रो होंगे.
right? So this is about raised bed. So this is about how nursery bed can be prepared based on various climatic conditions: sunken bed, level bed and raised bed. Now there are certain precautions that we need to take while preparing nursery beds. These are that apart from nutrition, sufficient moisture and aeration are also important. So nutrition ke alawa, प्लांट्स को न्यूट्रिशन तो चाहिए ही नर्सरी बेड में, पर उसके अलावा मॉइस्चर यानी कि वाटर कंटेंट अच्छा होना चाहिए और एरेशन यानी कि ऑक्सीजन का सर्कुलेशन होना चाहिए. ये तीनों चीज़ें जब साथ में होगी तो आपका प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो होगा. सेकेंड, दिस मस्ट बी प्रिपेयर्ड इन फर्टाइल सॉइल रिच इन ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट. तो आपका जो भी नर्सरी बेड है वो सिर्फ ऐसे ही कोई भी सॉइल से नहीं बना होना चाहिए. इट शुड बी फर्टाइल, राइट? एंड इट शुड हैव ऑर्गेनिक मैटर, मतलब ह्यूमस का कंटेंट अच्छा होना चाहिए. कंपोस्ट आप यूज़ कर सकते हो, राइट? सो ऑर्गेनिक मैटर अच्छे से होना चाहिए. सॉइल हैविंग मोर वाटर रिटेंशन कैपेसिटी डज नॉट नीड फ्रीक्वेंट इरीगेशन. तो आप ऐसा सॉइल यूज़ करो जिसकी नेचुरली ही वाटर रिटेंशन कैपेसिटी अच्छी हो, तो फिर उस सॉइल को ज़्यादा इरिगेशन करने का ज़रूरत ही नहीं है, राइट? सो यू कैन यूज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सैंडी एंड और डू वी से क्लेई सॉइल. सैंडी और सेल क्लेई सॉइल दोनों का एक कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं. तो क्या होगा कि वाटर रिटेंशन कैपेसिटी भी अच्छी होगी और ड्रेनेज भी अच्छा होगा, तो आपको बार बार इरिगेशन नहीं करना पड़ेगा. एक्सेस इरीगेशन इन संकन और फ्लैट बेड में लीड टू रॉटिंग ऑफ सीडलिंग्स सीडलिंग्स एंड डैम्पिंग ऑफ इंसिडेंस. सो अगर बहुत ज़्यादा इरीगेशन करेंगे संकन, यानी कि बहुत ज़्यादा पानी दोगे आप संकन या फ्लैट बेड में, तो क्या होगा कि आपके सीड्स जो है वो रॉट हो जाएंगे, आपके सीडलिंग्स जो है वो भी रॉट हो जाएंगे एंड डैम्पिंग ऑफ हो जाएगा, मतलब कि आपका जो सीडलिंग है वो अपने ही वेट में गिर जाएगा, राइट? वाटरिंग ऑफ द बेड डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द सॉइल. तो आपका सॉइल कैसा है उस पर डिपेंड करता है कि आपको बेड में कितना वाटर करना है, ठीक है? अगर फॉर एग्जांपल आपने सैंडी सॉइल यूज़ किया है जिसकी ड्रेनेज कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, वो ज़्यादा वाटर होल्ड करके नहीं रखता, तो आपको कंटिन्यूस इरिगेशन देना पड़ेगा क्योंकि पानी तो निकल जाता है सैंड में से, तो आपको कंटिन्यूसली इरिगेशन देते रहना पड़ेगा. अगर आपने क्लेई सॉइल यूज़ किया है जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो उसको आपको रेगुलरली वाटरिंग करने की ज़रूरत नहीं है. विड्थ ऑफ द नर्सरी बेड मस्ट नॉट बी मोर देन 1 meter. आपका जो नर्सरी बेड का विड्थ है वो 1 meter से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा होगा तो पानी हर जगह पहुँचेगा नहीं. एरिया जितना कम होगा तो पानी उतना जल्दी पहुँचेगा, तो उस हिसाब से आपको 1 meter का विड्थ रखना है जिससे वाटर शुड रीच एवरी कॉर्नर ऑफ द नर्सरी बेड. द बेड मस्ट बी प्रिपेयर्ड एट अ साइट रिसीविंग पार्शियल शेड. आपको बेड ऐसी जगह बनाना है जहाँ पे पार्शियल शेड हो, यानी कि डायरेक्ट सनलाइट में नर्सरी बेड मत बनाइए, क्योंकि सीडलिंग्स जो होते हैं वो डायरेक्ट सनलाइट बेयर नहीं कर पाएंगे. बिकॉज इफ़ यू गिव डायरेक्ट सनलाइट तो सीडलिंग्स कैन गो थ्रू शॉक एंड अल्टीमेटली डाई. सो दैट वॉज अबाउट सम प्रिकॉशंस दैट वी नीड टू टेक ड्यूरिंग नर्सरी बेड. Right now the next point that we are going to consider is about soil preparation or soil treatment. So soil may be contaminated by pest. आपका जो soil है जो आप nursery में use करते हैं वो pest से contaminate हो सकता है, right? This can lead to huge losses. तो बहुत chances है कि आपका जो soil है उसमें बहुत से loss हो जाएगा आपका जो प्लांट है, क्योंकि सॉइल ही कंटामिनेटेड है, तो सॉइल में से जो डिजीज़ है वो प्लांट में जाएगा एंड दैट विल लीड टू ह्यूज लॉसेस. सो दैट पेस्ट विच हैज़ एंटर्ड द सॉइल
कैन बी कैरिड टू द फील्ड, वो फील्ड में जाता है थ्रू सिडलिंग्स, आपके सिडलिंग्स में से, और मीडियम एदर टू द रूट, तो सॉइल जो रूट की कॉन्टैक्ट में है उसकी वजह से भी होता है. देयरफॉर मीडियम शुड बी फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, और इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो ग्रोइंग मीडियम है, जो सॉइल है, वो इन्फेक्शन से बिल्कुल फ्री हो. तो देर आर सर्टन मेथड्स दैट यू वी कैन यूज टू डिसइन्फेक्ट अवर सॉइल, राइट. सो द फर्स्ट मेथड इज सॉइल सोलराइजेशन. सो इट इज़ एन एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड टू कंट्रोल सॉइल बॉर्न पैथोजेंस. सॉइल में जो पैथोजेंस होते हैं, फंजाई, बैक्टीरिया के स्पोर्स जो होते हैं, वो सब सॉइल सोलराइजेशन से कंट्रोल किए जा सकते हैं. सो एज द नेम सजेस्ट, सॉइल सोलराइजेशन इज़ वेयर सोलर एनर्जी इज यूज टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सॉइल टू कंट्रोल द पैथोजेंस. सोलर एनर्जी जो है वो क्या करता है, सॉइल का टेम्परेचर इंक्रीज करता है, राइट. सोलर एनर्जी यानी कि सनलाइट. आपका सॉइल डायरेक्टली सनलाइट में होगा तो हार्श टेम्परेचर आने की वजह से उसमें जितने भी पैथोजेंस होंगे वो नहीं रह पाएंगे. सो आइडियल टाइम फॉर सॉइल सोलराइजेशन इज़ मई और जून, क्योंकि मई और जून में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, तो वो गर्मी से पैथोजेंस नहीं रह पाएंगे. सो दिस इज़ द टाइम व्हेन टेम्परेचर रीचेज लाइक अराउंड 45. सो दिस इज़ कॉल्ड सॉइल सोलराइजेशन मेथड. सो हाउ डू वी डू दैट, यू हैव टू डिग सॉइल एट अ साइट वेयर सीड बेड्स आर टू बी प्रिपेयर्ड. मतलब आपको जहाँ पे अपना नर्सरी बेड बनाना है वहाँ की सॉइल को आपको डिग करना है, उसमें से सारे वीट स्टम्प, स्टोन्स, जो भी अनवांटेड चीज़ें हैं वो रिमूव करनी है. एंड देन यू हैव टू इरीगेट द सॉइल थॉरली, मतलब सॉइल को अच्छे से पानी देना है. देन यू हैव टू कवर इट विद अ ब्लैक पॉलीथीन फिल्म ऑफ 200 गॉज फॉर 5 to 6 weeks. सो दिस इज़ द थिकनेस ऑफ द पॉलीथीन फिल्म. आपको ब्लैक पॉलीथीन फिल्म यूज़ करनी है. ब्लैक इसलिए क्योंकि ब्लैक ज़्यादा सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, तो यू हैव टू यूज़ ब्लैक पॉलीथीन फिल्म, और इस तरीके से लैंड को 5 to 6 weeks के लिए कवर करके रखना है. दिस इज़ डन ड्यूरिंग समर. सो दिस इज़ डन ड्यूरिंग समर बिकॉज वेट सॉइल कंडक्ट्स हीट बेटर. तो सॉइल जब वेट होता है, मतलब भीना होता है, तब हीट को वो बहुत अच्छे से कंडक्ट करता है. इसीलिए सॉइल को इरिगेट करने के बाद समर के टाइम पे तुरंत इसको पॉलीथीन से कवर कर दो, तो सॉइल भीना रहेगा तो वो हीट ज़्यादा अच्छे से लेगा. मेक द कवर एयर टाइट. एयर शुड नॉट एंटर फ्रॉम बीनीथ. तो कवर जो है वो एयर टाइट रखना है इस तरीके से, ताकि कवर के नीचे से कहीं से एयर नहीं जाना चाहिए. सो नर्सरी बेड कैन बी प्रिपेयर्ड एट ट्रीटेड साइट. सॉइल में भी यूज्ड फॉर फिलिंग पॉट्स और पॉलीबैग्स. तो इस तरीके से हमने जो सॉइल रेडी किया, उस सॉइल को अब आप या तो नर्सरी बेड की तरह यूज़ कर सकते हो, या तो उस सॉइल को पॉट में, या तो आपके जो भी पॉलीबैग्स हैं उसमें फिलअप कर सकते हो. तो दिस इज़ वन मेथड ऑफ सॉइल प्रिपरेशन विच इज़ सॉइल सोलराइजेशन. नाउ देर आर अदर केमिकल मेथड्स ऑल्सो दैट कैन बी यूज. दिस इज़ फॉर्मेलिन सॉल्यूशन ट्रीटमेंट, right. So formalin is a solution that is used to sterilize the soil. तो आपके soil में जो pathogen है उसको completely remove करने के लिए formalin solution का use होता है. So you can use 2.5 ml per liter of water. एक liter water में 2.5 ml जैसा formalin के आप drops डाल सकते हैं and उसको use कर सकते हैं. तो this is usually formalin. It is available in various brands in the market. So how it is done, soil is drenched at 45 liters of solution per meter square to saturate the topsoil surface up to a depth of 15 to 20 centimeter. आपका जो soil है उसको completely drench कर देते हैं 45 liters formalin solution में. Now this is not completely 45 liters of formalin. मतलब जैसे यहाँ पे रेशियो दिया है कि एक लीटर वाटर में 2.5 ml फॉर्मेलिन डाल के यू कैन अकॉर्डिंगली मेक 45 लीटर्स.
तो इतना सॉल्यूशन आपको सॉइल में, आपके सॉइल में डाल देना है और सॉइल को ड्रेंच करके भिगा के रखना है जब तक कि टॉप सॉइल जो है वो पूरा सैचुरेट ना हो जाए, मतलब आपका जो सॉइल है वो पूरा फॉर्मेलिन सॉल्यूशन एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए। देन द ड्रेंच्ड एरिया इज़ कवर्ड विथ अ पॉलीथीन शीट। अब उस एरिया को जैसे हमने सॉइल सोलराइजेशन में किया था, पॉलीथीन शीट से कवर कर देना है। सो फ्यूम्स ऑफ फॉर्मेलिन, फॉर्मेलिन के फ्यूम्स होते हैं जो मेनली डिसइंफेक्शन का काम करता है, तो उसके जो फ्यूम्स हैं इट शुड पेनिट्रेट इन टू द सॉइल टू किल द पैथोजन। तो पैथोजन्स मर जाए उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है तो कि उसके फ्यूम्स जो है वो सॉइल में पेनिट्रेट हो जाए। सो पॉलीथीन कवर इज़ रिमूव्ड आफ्टर 48 आवर्स। तो पॉलीथीन का जो कवर है उसको 48 आवर्स के बाद में रिमूव कर सकते हैं। रिमूव करने के बाद सॉइल को रेक करना है, मतलब सॉइल को हिलाना है ऊपर नीचे राइट, ताकि एक कंप्लीट सर्कुलेशन हो जाए। एंड इट मस्ट बी एंश्योर्ड दैट देर आर नो फ्यूम्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड गैस प्रायर टू सीड सॉइंग। इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि सीड सॉ करने से पहले आपका जो सॉइल है इट शुड नॉट हैव फॉर्मेल्डिहाइड गैस। फॉर्मेलिन जो फ्यूम्स थे वो अंदर अब नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल ट्रीटमेंट इज़ विद द हेल्प ऑफ फंगीसाइड। तो बहुत सारी फंगीसाइड्स मार्केट में अवेलेबल है। फंगीसाइड्स आर दोज प्रोडक्ट्स दैट रिमूव फंगस फ्रॉम द सॉइल। सो कैप्टन और थिरम कैन बी यूज एट 5 ग्राम पर मीटर स्क्वायर टू कंट्रोल सॉइल बॉर्न पैथोजेंस। तो सॉइल फंगस को कंट्रोल करने के लिए थिरम जैसे फंगीसाइड्स मिलते हैं। एंड सॉइल ट्रीटमेंट बाय इंसेक्टिसाइड्स, अगेन देर आर मेनी इंसेक्टिसाइड्स अवेलेबल इन मार्केट, जैसे कि क्लोरोपायरीफॉस। दिस कैन बी यूज्ड एट 2 ml/L ऑफ वाटर विच इज़ अप्लाइड टू अ डेप्थ ऑफ 15 to 20 cm इन द सॉइल। सॉइल के इतने डेप्थ में अप्लाई करते हैं जो इंसेक्ट्स एंट्स वगैरह जो होते हैं वो सब नहीं रहते राइट। सो दिस इज़ कार्टूस, दिस इज़ अ काइंड ऑफ लाइक एज आई टोल्ड क्लोरोपायरीफॉस। तो ब्रांड्स अलग अलग अवेलेबल होते हैं मार्केट में। एंड यूज़ ऑफ बायो एजेंट्स, सो देर आर सर्टन बायोलॉजिकल एजेंट्स लाइक ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा इज़ अ फंगस बट दिस इज़ अ बायोलॉजिकल एजेंट एंड दैट हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ अदर पैथोजेंस। सो यू कैन यूज़ बायो एजेंट्स, ये जो है ट्राइकोडर्मा हार्जियानम, दिस इज़ अ काइंड ऑफ बायो एजेंट प्रोडक्ट अवेलेबल इन द मार्केट। ये जो है ये आप 10 to 25 grams per meter square आर मिक्सड इन द सॉइल एंड आफ्टर 2 to 3 days द सीड्स आर सॉन। ट्राइकोडर्मा क्या करता है कि ये एक ऐसा फंगस है जो दूसरे पैथोजेंस को ग्रो नहीं करने देता, और ट्राइकोडर्मा इज़ गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड देयरफॉर such kind of bio agents are used that suppress the growth of other pathogens. So we can also use bio agents, right? Now the next thing is seed treatment. तो जैसे soil भी infection free होना चाहिए वैसे ही आपका seed भी infection free होना चाहिए। तो fungicides are used to keep seeds tree free from infection. आपका जो fungicides जो भी seeds हैं, जैसे हमने सॉइल को ट्रीट किया ठीक उसी तरह हमें सीड्स को भी अलग अलग सॉल्यूशन यूज़ करके, फंगीसाइड्स यूज़ करके सीड्स को भी इन्फेक्शन फ्री बनाना पड़ता है। तो एज आई टोल्ड देयर आर सर्टेन फंगीसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स लाइक कैप्टन, थिरम, कार्बेंडाजिम, दीज कैन बी अप्लाइड। दिस शुड बी मिक्स थरली इन सीड्स टू डिसइनफेक्ट द सीड लॉट। तो आपका जो भी सीड का लॉट है उसको डिसइनफेक्ट करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। टू गेट हेल्दी एंड ट्रू टू टाइप प्लांटिंग मटीरियल। सो वाई इज़ दिस इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इफ़ यू डिसइनफेक्ट योर सीड्स तो आपके सीड्स हेल्दी होंगे, तो अल्टीमेटली जो प्लांट बनेगा वो ट्रू टू टाइप प्लांटिंग मटीरियल बनेगा। मदर ब्लॉक ऑल्सो शुड बी हेल्दी एंड डिजीज़ फ्री। आपका जो मदर ब्लॉक है वो भी हेल्दी होना चाहिए और डिजीज़ फ्री होना चाहिए। मदर ब्लॉक यानी कि फॉर एग्जांपल जो आपका पेरेंट मटेरियल है, जो आपका कटिंग मटेरियल है, वो सब भी हेल्दी और डिजीज़ फ्री होना चाहिए।
So it is very important that you that when you run a nursery, you need to have a healthy and disease free stock which should be maintained, because if your stock is not healthy, then ultimately your progenies will not be healthy, right? Now coming to the next part of the nursery management, that is growing medium, right? So what is a growing medium? The material in which plants grow in pots, वो material जिसमें pots में जो हम material डालते हैं right, अपने plants को grow करने के लिए, उसको potting material बोलते हैं. And the substrate or medium used to grow plants is called growing medium. और जो substrate और medium हम plants grow करने के लिए use करते हैं, उसको growing medium बोलते हैं. In short, potting material is also a growing medium, but since it is used in pots, we call it a potting material. तो growing material medium वो चीज़ है जिसमें हम हमारे plants को grow करते हैं. So choice of potting material or medium is important because आपके plant का growth of the plant depends on this. तो आपका growing medium कैसा है उस पर depend करता है कि आपका plant कैसा grow होगा. So characteristic of growing medium is that it must have adequate aeration. Aeration अच्छा होना चाहिए, मतलब oxygen content होना चाहिए. ड्रेनेज होना चाहिए, यानी कि वाटर इजीली नीचे जा सके, ड्रेन हो सके, वैसा होना चाहिए. वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, राइट? तो उसके अलावा इट मस्ट नॉट बी टू हैवी टू लिफ्ट, मतलब आप जब उसको उठाओ तो बहुत भारी नहीं होना चाहिए. इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम वीड्स, वीड्स यानी कि अनवांटेड प्लांट्स नहीं होने चाहिए, पेस्ट पैथोजन ये सब ग्रोइंग मीडियम में नहीं होना चाहिए. इट शुड बी ईजीली अवेलेबल. अब ग्रोइंग मीडियम ऐसा भी होना चाहिए जो आपको ईजीली अवेलेबल है. हो सकता है कि कुछ ग्रोइंग मीडियम ऐसा हो जो बहुत अच्छा है प्लांट के लिए, लेकिन अगर वो अवेलेबल ही नहीं है हमारे पास, तो ऐसे ग्रोइंग मीडियम का क्या मतलब, राइट? सो इट मस्ट बी ईजीली अवेलेबल एंड इट मस्ट नॉट बी टू एक्सपेंसिव, और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होना चाहिए. तो यही रीज़न है कि हम यूजुअली प्लांट्स के लिए जो भी नॉर्मल हमें सॉइल मिलता है, हम उसको यूज़ करते हैं ग्रोइंग मीडियम के लिए. क्योंकि अगर हम बहुत अच्छा ग्रोइंग मीडियम देखने जाते हैं तो वो हमें एक्सपेंसिव पड़ता है, राइट? सो दीज आर सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ग्रोइंग मीडियम. सो नाउ लेट अस टेक अ लुक इनटू द वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रोइंग मीडियम. अब ग्रोइंग मीडियम के कौन से टाइप्स हैं वो देख लेते हैं. तो फर्स्ट इज़ गार्डन सॉइल. तो आपका जो नॉर्मल सॉइल है, दैट इज़ अ काइंड ऑफ ग्रोइंग मीडियम. तो यूजुअली द सॉइल इज़ लाइट सैंडी लोम सॉइल, राइट? सैंडी लोम सॉइल रखो तो क्या होता है, ड्रेनेज अच्छा होता है और थोड़ा सा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छी होती है और वेट कम होता है. इट मे हैव डिजीज़ कॉजिंग पैथोजन, पर सॉइल है तो बहुत प्रोबेबिलिटी है कि डिजीज़ कॉजिंग पैथोजन भी इसमें होंगे. बट दिस इज़ द इजीली अवेलेबल ऑप्शन एंड दिस इज़ द मोस्ट चीपेस्ट ऑप्शन, राइट? सो वन टाइप ऑफ ग्रोइंग मीडियम इज़ गार्डन सॉइल. सेकेंड इज़ कम्प्लीटली सैंड, राइट? सो देर इज़ ऑल्सो क्वार्ट्स सैंड अवेलेबल विच इज़ यूज फॉर ग्रोइंग. वाई डू वी यूज़ सैंड? एज आई टोल्ड, सैंड इज़ योर रेती. आपको पता है रेती में आप पानी डालो तो जल्दी से सीप हो जाता है नीचे, क्योंकि दीज आर लार्ज पार्टिकल्स. ये पार्टिकल्स लार्ज होते हैं तो सब पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, जिसकी वजह से वाटर ड्रेन हो जाता है. सो दिस गिव्स आल्सो बेटर एरेशन एंड ड्रेनेज. सो दीज आर लार्ज साइज पार्टिकल्स, बट एज द साइज ऑफ द पार्टिकल डिक्रीजेज. अब जैसे जैसे पार्टिकल साइज डिक्रीज होगा तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो डिक्रीज होगी. सॉरी आई नीड टू से दैट जैसे जैसे साइज़ इंक्रीज होगा, मतलब कि अगर इनका साइज़ बढ़ता जाता है तो ऑब्वियसली दो पार्टिकल्स के बीच का स्पेस बढ़ेगा, और स्पेस बढ़ेगा तो वाटर होल्ड नहीं कर पाएगा वो. सो दैट विल लीड टू डिक्रीज इन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी,
right? So with increase in size, the water holding capacity can increase. If you like want to understand more about soil composition and water holding capacity, you can, if you are like at all interested, you can go to my lecture where I have explained about soil composition. So you can go and know more about soil compositions. So sand hamesha akela nahi use hota, it is usually mixed with soil to form well drained porous soil. तो इसको हमेशा सॉइल के साथ यूज़ करते हैं, लाइक अलग अलग मटेरियल के साथ यूज़ करते हैं, तो एक अच्छा पोरस मटेरियल बनता है. देन थर्ड इज़ कंपोस्ट, राइट? वी ऑल नो व्हाट इज़ कंपोस्ट. इट इज़ फॉर्म्ड बाय डीकंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. आपका जो भी किचन वेस्ट है, जो भी काउडंग वेस्ट है, वो सबको डीकम्पोज होके राइट. सो दिस इज कंपोस्ट, वेयर कंपोस्ट इज मेड बाय डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. सो दिस कंटेन्स ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ, राइट? तो ये बहुत अच्छा सॉइल होता है एक्चुअली, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं. इनफैक्ट यू कैन ऑल्सो यूज़ वर्मी कंपोस्ट विच इज़ मेड बाय अर्थवर्म्स, राइट? सो दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन ऑल्सो. नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्रोइंग मीडियम इज फैग्नम मॉस. So I think aap log being a botanist, you all have studied what is sphagnum. This is a bryophyte, right? So this is dehydrated byproduct of bog plants. A bog plants kya hote hain? Bog plants are those plants that grow like near the marshy area, jahan pe soil or land meet karta hai, wahan pe jo plants grow hote hain, that is called bog plant. So sphagnum moss jo hai, ye actually dried product hai, डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट है. इसको लाइक इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, तो ये जो प्रोडक्ट है यूजुअली एयर लेयरिंग में यूज़ होता है. तो स्फैग्नम मॉस कैन बी अ वेरी गुड ग्रोइंग प्रोडक्ट फॉर बेस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. सो बट ये महंगा होता है और इजीली अवेलेबल नहीं होता, तो ये यूजुअली एयर लेयरिंग में यूज़ होता है. नाउ नेक्स्ट इज पीट. दिस इज़ रेसिड्यूज फ्रॉम मार्श स्वैम. अब जैसे मैंने कहा, बॉग एरिया जो होता है, जहाँ पे मार्शी एरिया होता है, वहाँ पे क्योंकि सारे ब्रायोफाइट्स होते हैं, राइट? तो ब्रायोफाइट्स जो है, उनका जब लाइफ ख़त्म हो जाता है, तो सारे रेसिड्यूज मार्शी एरिया में डिपॉजिट हो जाते हैं. सो दोज रेसिड्यूज आर दी स्पिट. So this help in fast vegetative growth. It is used for growing newly rooted cutting. तो ये जो peat है actually, बहुत years का जो residue buildup हुआ, वो सबको इकट्ठा करके इस तरीके से blocks बनाते हैं, जिसको बोलते हैं peat. Then next is cocoa peat. I think everyone is now familiar with this. This is obtained from coir dust. मतलब नारियल का जो आउटर कवरिंग होता है, उसको ग्राइंड करके ये बनाया जाता है. दिस हैज़ वेरी नाइस एंड हाई वाटर रिटेंशन कैपेसिटी. तो इसलिए जब भी सीडलिंग्स ग्रो करना होता है, तो यूजुअली कोकोपीट का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज़ वर्मिक्यूलाइट. सो दिस इज़ वर्मिक्यूलाइट. बाय द नेम यू माइट फील दैट दिस इज़ समथिंग ओरिजिनेटेड फ्रॉम वर्मी कंपोस्ट वेयर अर्थवर्म्स आर इन्वॉल्व, बट दिस इज़ नॉट द केस. This is a chemically hydrated magnesium aluminium iron silicate. ये chemically hydrated एक mineral है, right? And this is produced by heat treatment of mica. Mica जो होता है, उसका heat treatment करके ये बनता है. तो जब इसका heat treatment करते हैं, तो ये earthworm जैसे shape में आ जाता है, इसलिए इसको vermiculite नाम दिया है. It has nothing to do with earthworms, right? This is porous in nature, lightweight, and it has a good water holding capacity. So this is about vermiculite. Next is perlite. Perlite is also a natural mineral of organic origin. It is light in weight, so this is perlite. And sawdust is द बाई प्रोडक्ट ऑफ सॉ मिल. मतलब लकड़ी काटने की जो जगह होती है, वहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट निकलता है, दैट इज़ सॉडस्ट.
This is easily available and cheap, and but this is poor in न्यूट्रियन content. इसमें as such कुछ न्यूट्रियन content नहीं होता है, but इसको nitrogen के साथ use कर सकते हैं, right? So these are certain growing mediums that can be used depending upon your purpose of plant growth. Now apart from that, you can use plant bioregulators or plant hormones. So what are plant bioregulators? They promote or inhibit or otherwise modify physiological processes in plants even when used in small amounts. तो प्लांट बायोरेगुलेटर्स जो होते हैं वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो या तो प्लांट के ग्रोथ को प्रमोट कर सकते हैं या इनहिबिट कर सकते हैं अगर उन्हें बहुत छोटे अमाउंट्स में भी यूज़ करो तो भी. तो यूजुअली जो प्लांट बायोरेगुलेटर्स होते हैं वो mg's में यूज़ होता है, लाइक मिलीग्राम्स में. सो दैट ऑल्सो यू हैव टू डिजॉल्व इन वाटर एंड गिव टू द प्लांट, right? So these are called plant hormones. Like that, I think you already know that there are auxins. So ye sab available auxins jo market mein hote hain, IAA, IBA, indole, butyric acid, right? This is naphthalene acetic acid, 2,4-D, right? All these are auxins. Gibberellins, GA3. Cytokinins is kinetin or aminopurine. एथिलीन के भी प्रोडक्ट्स हैं, एथरल, एथिपोन, राइट. इनहिबिटर्स लाइक मेलिक हाइड्रेजाइड, देन ABA दैट इज एप्साइसिक एसिड. रिटार्डेंट्स आर ऑल्सो देयर लाइक साइकोसेल, क्लोरमेक्वाट क्लोराइड, राइट. सो ऑल दीज आर प्लांट बायोरेगुलेटर्स. ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स एंड साइटोकाइनिन्स आर यूजुअली यूज फॉर प्लांट ग्रोथ. ऑक्सिन रूट ग्रोथ के लिए अक्सर यूज करते हैं, जिब्रेलिन्स शूट लेंथ बढ़ाना हो तो यूज़ करते हैं, साइटोकाइनिन्स अगर सेल डेवलपमेंट करना हो तो यूज़ करते हैं, एथिलीन अगर सेनिसेंस करना हो, फ्रूट को राइप करना हो तो यूज़ करते हैं, इनहिबिटर्स यानी कि एप्साइसिक एसिड जैसा अगर आपको प्लांट ग्रोथ इनहिबिट करना हो तो यूज़ करते हैं, और रिटार्डेंट्स मतलब जो आपके प्लांट के ग्रोथ को स्लो कर देता है. तो ये सारे प्लांट बायोरेगुलेटर्स हैं. ये एक एग्जाम्पल है जो मैंने यहाँ पर रखा है. दिस इज़ root promoting bioregulator. So this is, as you can read the content, indole butyric acid. So this is an auxin, right, IBA. ये actually मैंने purchase किया है. I sometimes use to enhance the rooting in my plants, right? So and this is actually available in market very easily. It is also available online, so you can also purchase it at times when you want for your plants, right? Then there is now coming to the next topic, that is methods of sowing seeds and planting material. अब अलग अलग methods हैं आपको seeds sow करने के लिए. So that is, one is broadcasting. So I think everyone knows what is broadcasting. This is लाइक स्प्रेडिंग सीड्स ऑन द नर्सरी बेड्स. आपका जो भी नर्सरी एरिया है वहाँ पर सीड्स डायरेक्टली हैंड से थ्रो करना, दैट इज़ कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग. बेड कवर्ड विथ FYM और कंपोस्ट. तो एक बार सीड्स को स्प्रेड कर दिया हाथ से, एंड देन द बेड इज़ कवर्ड विथ FYM, दैट इज़ फार्मयार्ड मैन्योर और कंपोस्ट. फाइन, तो दैट इज़ कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग. ब्रॉडकास्टिंग का नुकसान ये होता है कि यहाँ पे बहुत सारे सीड्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आप कोई प्रॉपर मेजरमेंट नहीं ले रहे हो, आप अपने हाथ से थ्रो कर रहे हो. सो यू रिक्वायर मोर क्वांटिटी ऑफ सीड्स. सो यू कैन नॉट प्लेस सीड्स एट अ डिज़ायर्ड प्लेस. आप सोचो कि मैं इस जगह पे रखूँ प्लांट, यहाँ पे ग्रो हो, तो ऐसा नहीं होगा. सो दिस इज़ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, के कभी कभी एक साथ बहुत सारे प्लांट्स आ जाएंगे, कहीं पे एक ही आएगा. सो दैट इज़ अ साइड इफेक्ट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग. सेकेंड इज लाइन सोइंग. सो लाइन सोइंग इज, एज द नेम सजेस्ट, अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ सोइंग सीड्स वेयर सीड्स आर सोन इन लाइन. एक लाइन में सीड्स को डालते हैं, दैट इम्प्रूव्स जर्मिनेशन एंड क्वालिटी ऑफ सीडलिंग.
जैसे यहाँ पे एक सीड डाला, दूसरा यहाँ पे डाला, तीसरा यहाँ पे डाला, एक लाइन में सीड्स डाला है, एक रो में सीड्स डाला है, तो उसकी वजह से क्या होगा, हर एक सीड को अपनी खुद की इंडिपेंडेंट स्पेस या जगह मिलेगी, राइट? एंड दिस विल इम्प्रूव जर्मिनेशन एंड क्वालिटी ऑफ सीडलिंग. तो हर एक सीड्स को जो है जर्मिनेशन उसका इम्प्रूव होगा और क्वालिटी ऑफ सीडलिंग जो है वो अच्छी बनेगी, क्योंकि हर एक सीड के पास अपनी खुद की जगह होगी, तो न्यूट्रिएंट्स उनके हिसाब से वो ले सकेंगे. सो व्हाट इज़ डन फॉर दैट, शैलो ट्रेंचेज ऑफ सर्टन डेप्थ आर मेड एट एडिक्वेट स्पेसिंग. थोड़ी थोड़ी जगह पे छोटे ट्रेंचेज यानी कि होल्स बनाने हैं जहाँ पे हमें सीड्स को प्लेस करना है, एंड देन ट्रेंच इज़ कवर्ड विद द सॉइल. फिर उस सीड को प्लेस करने के बाद उसको सॉइल से कवर कर दो, एंड लाइट इरीगेशन इज़ रिक्वायर्ड. तो उस वक्त हमें जो इरीगेशन करना है दैट इज़ टू बी डन विथ अ वाटरिंग कैन. लाइट इरीगेशन करने का, तो फिर इसमें से छोटे छोटे सीडलिंग्स डेवलप होंगे, राइट? द थर्ड टाइप ऑफ एंड अ वेरी गुड मेथड ऑफ सोइंग सीड्स इज बाय प्लक ट्रेस, राइट? सो लेट अस लुक दैट हाउ सीड्स कैन बी सोन विथ प्लक ट्रेस. तो प्लक ट्रेस आर ऑल्सो कॉल्ड प्रो ट्रेस. दीज आर मेड ऑफ सॉफ्ट प्लास्टिक हैविंग शैलो प्लग्स. ठीक है, तो ऐसा जो आपने देखा होगा मार्केट में अवेलेबल है, दिस इज़ कॉल्ड प्लग ट्रे और प्रो ट्रेस, राइट? ये इसमें ये सॉफ्ट प्लास्टिक का बना होता है और इसमें शैलो प्लग्स होते हैं छोटे छोटे. ये जो होल है, ये जो छोटा एरिया है, इसको प्लग बोलते हैं. तो इस प्लग को हम प्लांटिंग मटेरियल से, ग्रोइंग मीडियम से फिल कर सकते हैं. तो इस तरीके से पूरा फिलअप किया जाता है. यूजुअली क्योंकि हमें पहले सीड्स में से सीडलिंग बनाना होता है तो कोकोपीट यूज़ करते हैं, तो इसको पूरा कोकोपीट से भर देते हैं, क्योंकि कोकोपीट की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है. एंड जो जो भी आपका प्लग है, हर एक प्लग में आप एक सीड रख सकते हो. तो जो आपकी हाइब्रिड या हाई वैल्यू सीड्स है उसको आप प्रो ट्रे में ग्रो कर सकते हो. तो इससे आपके सीड्स जो है जो वेस्ट भी नहीं होंगे, एंड हर एक सीड में से प्लांट बनेगा और आप ध्यान भी रख सकते हैं, राइट? सो हाउ इट इज़ डन, प्लग्स आर फिल्ड विथ कोकोपीट, राइट? पहले प्लग को पूरा कोकोपीट से फिल कर दो, फिर उसमें एक डिप्रेशन यानी कि एक छोटा सा डेंट लगाओ, विच शुड बी ऑफ 0.5 to 1 centimeter इन सेंटर. एंड हर एक डेंट में यू हैव टू, इन हर एक प्लग यू हैव टू पुट वन सीड इन एवरी डिप्रेशन, एंड दैट इज़ कवर्ड विथ कोकोपीट, और उसको कोकोपीट से कवर कर दो, राइट? सो प्रो ट्रेस कवर्ड बाय पॉलीथीन शीट्स, एंड देन कोकोपीट से कवर करने के बाद इस पूरे प्रो ट्रे को पॉलीथीन शीट से कवर कर दो, राइट? एंड शीट कुड देन बी रिमूव्ड आफ्टर जर्मिनेशन. तो जब सारे सीड्स जर्मिनेट हो जाए तो आप शीट्स को रिमूव कर दो. शीट से क्यों कवर करते हैं, क्योंकि शीट से कवर करने पे एक ग्रीन हाउस जैसा इफ़ेक्ट आता है और जो सीड्स हैं उनको वार्म एनवायरनमेंट मिलता है, गर्मी मिलती है, जिसकी वजह से जर्मिनेशन फास्ट होता है, राइट? एंड देन आफ्टर यू हैव रिमूव द शीट्स यू कैन स्प्रिंकल वाटर स्लाइटली विथ स्मॉल नोजल कैन. Now what are certain precautions that you need to take while planting seeds? So you need to choose a healthy seed. This is the prerequisite. आप पहले से ही healthy material use करो ताकि आपका plant healthy बने. अगर seeds छोटे हैं तो उसको sand के साथ mix करो और फिर sow करो, right? क्योंकि छोटे seeds हैं तो वो आपको कितनी बार पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ पे रखा, क्या प्लेस किया, तो उसको सैंड के साथ मिक्स कर दो. स्मॉल सीड्स है तो कितनी बार विंड से उड़ भी जाते हैं, तो पहले से सैंड के साथ मिक्स करके और फिर उनको सो करो. शुड बी सोन एट द राइट डेप्थ. आपका जो भी सीड्स है उसको सही डेप्थ पे डालो. यूजुअली कॉमन मिस्टेक क्या होता है, हम सीड्स को बहुत ज़्यादा नीचे डाल देते हैं तो वो जल्दी से ऊपर नहीं आ पाता. जस्ट एक थोड़े डिस्टेंस पे डेप्थ डाल के कर दो तो द सीड्स विल सीडलिंग्स विल कम आउट फास्ट. अवॉइड ओवर क्राउडिंग. तो ओवर क्राउडिंग मत करो कभी भी सीड्स का, क्योंकि जब सीडलिंग्स आएंगे तो सबके बीच कंपटीशन होगा न्यूट्रिएंट्स के लिए, फूड के लिए, वाटर के लिए, सनलाइट के लिए, एयर के लिए, और कंपटीशन की वजह से सारे सीडलिंग्स इक्वली नहीं ग्रो होंगे.
जो सरवाइव कर पाएगा वो ही ग्रो करेगा, या तो कितनी बार ऐसा भी होता है कि कंपटीशन की वजह से कोई भी ग्रो नहीं कर पाते। सो यू नीड टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग एंड सॉइल मस्ट नॉट बी टू ड्राई और टू वेट। और सॉइल बहुत ज़्यादा ड्राई या फिर बहुत ज़्यादा वेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ड्राई होगा तो दैट विल लीड टू ड्राइंग, एंड बहुत ज़्यादा वेट होगा तो दैट विल लीड टू रॉटिंग ऑफ सीड्स। नाउ नेक्स्ट इज़ प्रिकॉशन टू बी टेकन ड्यूरिंग प्लांटिंग। सो चूज़ हेल्दी सीडलिंग्स, आपके सीडलिंग्स जो है वो बहुत हेल्दी चूज़ करो पहले से। प्लांट इन लेट आफ्टरनून, सीडलिंग्स को हमेशा आफ्टरनून के बाद यानी कि इवनिंग में प्लांट करो, क्योंकि आफ्टरनून में क्या होगा कि गर्मी बहुत होती है, जिसकी वजह से आपके सीडलिंग्स टेंडर हैं अभी, थोड़ी देर बाहर रहेंगे तो विल्ट हो जाएंगे। तो इसलिए दैट एक्टिविटी हैज़ टू बी डन इन द इवनिंग। इट मस्ट बी ट्रीटेड विथ फंगीसाइड्स, जो भी फंगीसाइड्स अप्लाई करना है हेल्दी सीडलिंग्स के लिए वो अप्लाई कर दो। ट्रांसप्लांटिंग नॉट टू बी डन ऑन ड्राई, हॉट, सनी, विंडी एंड ह्यूमिड कंडीशंस। तो जैसे मैंने कहा, ट्रांसप्लांटिंग का जो आप काम करते हैं, आपके सीड्स में से जो सीडलिंग बन गया, राइट, तो उस सीडलिंग को जब आप ट्रांसप्लांट करते हो तो वो कभी भी बहुत ड्राई या फिर बहुत हॉट सनी एरिया में मत करना, विंडी एरिया में मत करना, आपके सीडलिंग्स डैमेज हो जाएंगे। राइट, नाउ थ्री इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट आर वेरी इम्पॉर्टेंट इन नर्सरी इज पॉटिंग, डी पॉटिंग एंड रीपॉटिंग। राइट, सो पॉटिंग वी ऑल नो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग न्यू प्लांट्स इन पॉट्स कंटेनिंग सूटेबल मिक्सचर फॉर देयर ग्रोथ एंड एस्टैब्लिशमेंट। राइट, पॉटिंग क्या होता है? सो पॉटिंग इज़ बेसिकली आपका वो प्रोसेस जहाँ पे आप आपके नए प्लांट्स को पॉट्स में डालते हो। पॉट्स में मिक्सचर प्रेजेंट होता है, ग्रोइंग मीडियम होता है जहाँ पे ग्रोथ होता है प्लांट का। सो देर आर सर्टन पॉइंट्स दैट यू नीड टू कंसीडर वाइल पॉटिंग। साइज ऑफ द पॉट मस्ट बी सूटेबल, आपके प्लांट का साइज क्या है उसके अकॉर्डिंग आपको पॉट सिलेक्ट करना है। क्रॉक्स मस्ट बी प्लेस्ड एट द ड्रेनेज होल। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग व्हाट आर क्रॉक्स, सो दिस इज़ कॉल्ड अ क्रॉक। आपका जो पॉट का मटेरियल होता है, ब्रोकन पॉट का कुछ मटेरियल हो तो उसको क्रॉक बोलते हैं। क्रॉक को ड्रेनेज होल के ऊपर रखते हैं। अगर क्रॉक अवेलेबल नहीं है तो यू कैन प्लेस सम ग्रेविल मे बी और अ स्टोन। वाई इज़ इट डन सो, बिकॉज क्रॉक्स जो है वो ड्रेनेज होल को ढकता है। तो उससे क्या होगा कि आपका जो सैंड मटेरियल है, जो ग्रोइंग मीडियम है, वो ड्रेनेज होल से बाहर नहीं निकलेगा, पर वाटर बाहर निकलेगा, बट आपका जो सैंड मटेरियल है, ग्रोइंग मीडियम जो है, वो बाहर नहीं निकलेगा। सो दैट इज़ एन एडवांटेज ऑफ पुटिंग क्रॉक्स इन द ड्रेनेज होल। फिल पॉटिंग मिक्सचर लिविंग 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द रिम। मतलब आपका जो पॉट का ऊपर का सर्कुलर एरिया है दैट इज़ कॉल्ड रिम, तो उस रिम से थोड़ा नीचे रखो पॉटिंग मिक्सचर को। क्यों नीचे रखना है? क्योंकि वो अगर बहुत ऊपर रखोगे तो वो वाटर जो है ओवरफ्लो होगा जब आप पानी डालोगे, तो इसलिए रिम से 2.5 सेंटीमीटर का स्पेस छोड़ो। प्लांट्स हैज़ टू बी प्लेस्ड विथ बॉल ऑफ अर्थ। तो आपका जो प्लांट है वो हो सके तो उसके साथ जो सॉइल था उसके साथ ही पॉट में प्लेस करो, एंड देन फिल द रिमेनिंग एरिया विथ मिक्सचर एंड प्रेस फॉर्मली। और उसके बाद बाकी के एरिया को में बाकी का पॉटिंग मिक्सचर डालो और उसको प्रेस करो। डू नॉट प्रेस द बॉल ऑफ अर्थ। अब आपके प्लांट के साथ जो पूरा सॉइल आया उसको प्रेस मत करना, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका जो रूट है वो डैमेज हो सकता है प्लांट का। एंड देन वाटर विथ नोजल कैन एंड प्लेस इन कूल एंड शेडी एरिया। उसके बाद वाटरिंग कैन से वाटरिंग करके उसको कूल और शेडी एरिया में रख दो। द नेक्स्ट स्टेप इज डी पॉटिंग। सो इट इज़ द रिमूवल ऑफ अ प्लांट फ्रॉम अ पॉट फॉर प्लांटिंग इन सॉइल, बेड और अनदर पॉट। जब आप किसी भी प्लांट को एक पॉट में से निकालते हो या बेड में से निकालते हो या दूसरे पॉट में से निकालते हो तो उसको डी पॉटिंग बोलते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट स्टेप, बिकॉज इस स्टेप में आप अपने रूट्स, प्लांट के रूट्स को डैमेज कर सकते हैं। तो
तो रूट्स आर सेंसिटिव एंड दे आर प्रोन टू इंजुरीज, सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. तो दिस बिकम्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप जब डीपॉटिंग करो तो आपका रूट्स जो है उसको इंजुरी नहीं होना चाहिए. सो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू डीपॉट द प्लांट अलॉन्ग विद द सॉइल. तो जब भी आप डीपॉटिंग करो तो पॉट में जितना सॉइल है वो पूरे सॉइल के साथ डीपॉटिंग करो. एंड अगर ज़रूरत पड़े तो द सॉइल कैन देन बी रिमूव्ड केयरफुली आफ्टर डीपॉटिंग. एक बार सॉइल के साथ डीपॉटिंग कर दिया, उसके बाद अगर आपको चाहिए तो आप उस सॉइल को रिमूव कर सकते हो रूट में से. सो सर्टन स्टेप्स दैट यू कैन फॉलो बिफोर डीपॉटिंग. वाटर बिफोर डीपॉटिंग, जब आपको डीपॉटिंग करना है तो आपके पॉट में अच्छे से पानी डाल दो, क्योंकि पानी डालोगे तो आपका पॉट जो है, सॉइल जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा. लिफ्ट बाय राइट हैंड पाम ओवर द टॉप ऑफ द सॉइल. आपका जो राइट हैंड पाम है, आपके पूरे पाम को आपका जो सॉइल का टॉप है उससे पकड़ो. एंड होल्ड स्टेम बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड फिंगर. आपका जो सेकेंड और थर्ड फिंगर है, राइट, सेकेंड एंड थर्ड, उसके बीच में आपका प्लांट का स्टेम होना चाहिए, राइट. एंड देन पॉट इज़ देन टर्नड अपसाइड डाउन. फिर आपको पॉट पूरा जो है अपसाइड डाउन टर्न कर देने का, राइट. इफ़ नेसेसरी, अगर फिर भी नहीं निकल रहा है तो अ जेंटल टैप इज़ गिवन ऑन द रिम ऑफ द इन्वर्टेड पॉट. अगर फिर भी नहीं निकल रहा तो आप थोड़ा सा जेंटल टैप करोगे पॉट को किसी भी सॉलिड सरफेस से, तो उसका जो रिम है वो जो पॉट है वो सॉइल का पूरा मटेरियल बाहर आ जाएगा. होल अर्थ बॉल विल विद द इंटरवाइनिंग रूट्स ऑफ द प्लांट विल कम आउट एज अ सिंगल पीस. तो पूरा एज अ सिंगल पीस बाहर आ जाएगा, राइट. सो इफ नीडेड लोअर ओल्ड एंड फाइनर रूट्स जो होते हैं अलॉन्ग विद सम ओल्ड पॉटिंग मिक्सचर आर रिमूव. तो जो पुराने रूट्स हैं, जो बहुत पतले रूट्स हैं, वो सब रिमूव कर सकते हैं और पॉटिंग मिक्सचर थोड़ा चेंज कर सकते हैं. दैट इज़ डीपॉटिंग. एंड देन थर्ड स्टेप इज रीपॉटिंग. तो आपने डीपॉट किया, मतलब कि आपके प्लांट को पॉट में से निकाला, अब उसको वापस रीपॉटिंग करना पड़ेगा. तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट स्टेप आफ्टर डीपॉटिंग. फर्स्ट स्टेप इन रीपॉटिंग इज डीपॉटिंग. तो अगर आपको किसी प्लांट को रीपॉट करना है तो उसको पॉट में से निकालना पड़ेगा, मतलब डीपॉटिंग करना पड़ेगा, एंड देन यू कैन डू द वर्क ऑफ रीपॉटिंग. ट्रांसप्लांटिंग ऑफ द एस्टैब्लिश्ड प्लांट्स आर डन वंस इन अ ईयर और टू. तो हर प्लांट को हमेशा ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत नहीं है, एक या दो साल में कुछ प्लांट्स को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं. तो रीपॉटिंग हमें कब करना होता है? व्हेन द प्लांट्स हैव बिकम पॉट बाउंड और ओवरग्रोन. तो आपका जब प्लांट पॉट बाउंड हो जाता है, मतलब कि पॉट बाउंड का मतलब है कि आप जैसे कि ये आप देख रहे हो फिगर, तो यहाँ पे अगर आपको पूरे सर्कल में रूट्स दिखते हैं तो इसका मतलब रूट जो है वो आपके सॉइल में से बाहर आ रहा है. तो दैट मीन्स के द पॉट नीड्स टू बी रीपॉटेड बिकॉज The plant needs to be repotted because it is overgrowing, right? तो that इसको बोलते हैं पॉट बाउंड हो जाना, मतलब जितना ग्रोथ है वो सारा हो चुका है पॉट में, right? बट अब उसे और स्पेस चाहिए, बट क्योंकि हमने इसको छोटे पॉट में रखा है तो ये पॉट बाउंड हो गया है, right? So that is called pot bound, and so it is important to repot the plant. तो ऐसा होने पे क्या होता है, पॉटिंग मिक्सचर जो है उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं रहते, पुअर ग्रोथ होने लगता है, क्योंकि सारे न्यूट्रिएंट्स रूट जो है वो यूज़ कर लेते हैं, राइट. तो कोई न्यूट्रिएंट्स रहता नहीं है. ओल्ड पॉटिंग मिक्सचर इज़ रिप्लेस्ड एंड द ओवरग्रोन रूट्स आर प्रून्ड. बहुत ज़्यादा बड़े रूट्स होते हैं तो उसको प्रून कर सकते हो, ओल्ड पॉटिंग मिक्सचर जो होता है उसको चेंज कर देना है. तो दिस इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम इन एवरी पॉट प्लांट्स. आप अपने घर में भी कोई पॉट प्लांट होंगे तो देखते होंगे कि
शुरू में तो बहुत अच्छा ग्रो होता था, बट धीरे धीरे ओवर ईयर्स इट हैज़ स्टॉप्ड ग्रोइंग. दैट इज़ द रीज़न दैट द प्लांट बिकम्स स्पॉट बाउंड. हमें पता ही नहीं है कि हमें उस प्लांट को डीपॉट भी करना पड़ता है, रीपॉटिंग भी करना पड़ता है, राइट? बिकॉज सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो यूज्ड अप हो जाते हैं. नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. तो आपका सॉइल रेडी हो गया, नर्सरी बेड हो गया, सीड्स को कैसे डालना है वो हमने देख लिया. तो अब नेक्स्ट स्टेप है फर्टिलाइजिंग का. सो द फर्टिलाइजर हैज़ टू बी अप्लाइड और मैन्योर हैज़ टू बी अप्लाइड टू द सॉइल और द प्लांट फॉर बेटर ग्रोथ बिकॉज दिस प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स. सो फर्टिलाइजर इज़ एनी सब्सटेंस, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, दैट इज़ एडेड टू द सॉइल टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ क्रॉप्स. क्रॉप का यील्ड बढ़ाने के लिए जो भी सब्सटेंस आप यूज़ करते हो सकता है ऑर्गेनिक है, हो सकता है इनऑर्गेनिक है, मतलब केमिकल बेस्ड है, तो उसको फर्टिलाइज़र बोलते हैं. अब इसमें टर्म आ जाता है मैन्योर. मैन्योर इज़ एन ऑर्गेनिक टर्म वेर यू यूज़ ऑर्गेनिक मटीरियल दैट इज़ प्रिपेयर्ड बाई डीकम्पोजिशन ऑफ क्रॉप रेसिड्यूज और एनिमल ड्रॉपिंग्स विच इज़ एडेड टू द सॉइल टू इम्प्रूव फर्टिलिटी. तो मैन्योर इज़ एनीथिंग दैट यू यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक ओरिजिन दैट इज़ प्रिपेयर्ड बाई डीकम्पोजिशन ऑफ मे बी क्रॉप रेसिड्यूज, प्लांट्स के रेसिड्यूज में से बनता है या एनिमल्स के ड्रॉपिंग्स काउडंग्स में से बनता है, रेसिड्यूज में से बनता है. तो दैट इम्प्रूव्स फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड दैट इज़ कॉल्ड मैन्योर. द वेरिंग मिक्सचर ऑफ एनिमल मैन्योर, यूरिन, बेडिंग मटीरियल, फॉडर रेसिड्यूज मतलब प्लांट रेसिड्यूज और जो भी दूसरे प्लांट कंपोनेंट्स हैं वो सब फार्मयार्ड मैन्योर बनाता है. तो आपका सारा फार्मयार्ड मैन्योर जो है, कंपोस्टिंग मटीरियल जो है, वो सब बल्की मैन्योर्स में आता है क्योंकि आपको ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करना पड़ता है क्योंकि स्मॉल दे हैव ओनली स्मॉल परसेंटेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स. सो ऑल दीज आर बल्की मैन्योर्स. सो दिस मस्ट बी ब्रॉडकास्ट ओवर द एंटायर एरिया एंड मिक्स्ड वेल विद द सॉइल बाय हैरोइंग. तो या तो आप इसको ब्रॉडकास्ट कर सकते हो जैसे सीड्स को ब्रॉडकास्ट करते हैं वैसे, एंड देन यू कैन मिक्स विद द सॉइल बाय हैरोइंग मतलब प्लाउइंग करके आप मिक्स कर सकते हैं. एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर्स डिपेंड ऑन द सीज़न. तो आपको मैन्योर अकॉर्डिंग टू सीज़न यूज़ करना है. सो फॉर एग्ज़ाम्पल एरिया ऐसा है जहाँ पे लाइट रेनफॉल आता है मतलब कम रेनफॉल आता है तो द मैन्योर्स में भी अप्लाइड ड्यूरिंग मॉनसून. तो ऐसी एरिया में आप मॉनसून में अप्लाई कर सकते हैं. और अगर एरिया ऐसा है जहाँ पे हैवी रेनफॉल है तो वहाँ पे आप मॉनसून के बाद अप्लाई करें. क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा रेनफॉल होगा तो वो जो भी आपने चीज़ यूज़ की वो बह जाएगी तो कोई मतलब नहीं है उस वक्त बल्क की मैन्योर यूज़ करने का. सो इट इज़ बेटर दैट यू यूज़ आफ्टर मानसून. बट इफ़ इट इज़ एन एरिया वेर देर इज़ लाइट रेनफॉल तो आप वहाँ पे मानसून के वक्त अप्लाई कर दो तो मानसून का जो रेनफॉल होगा तो लाइट रेनफॉल की वजह से द बल्की मैन्योर विल सीप इन. नेक्स्ट इज़ कॉन्सेंट्रेटेड मैन्योर्स. सो दीज हैव हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेजर प्लांट न्यूट्रिएंट्स. तो कॉन्सेंट्रेटेड मैन्योर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मैन्योर्स ऐसे हैं जिनको आप छोटे अमाउंट में भी यूज़ करो तो भी इनमें बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं. सो आपके जो भी पोल्ट्री मैन्योर होते हैं, जो भी लाइक ऑयल केक्स होता है, फिश मैन्योर होता है, ब्लड मिल होता है, ये सब कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर है. इसमें बहुत हायर नाइट्रोजन और फॉस्फरस कंटेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज चैट्रोफा ऑयल केक, राइट? सो कॉन्सेंट्रेटेड मैन्योर्स मस्ट बी अप्लाइड वेल इन एडवांस. इसको बहुत पहले से अप्लाई करना पड़ता है क्योंकि ये इजीली अवेलेबल नहीं होता प्लांट्स को. एंड दीज सिंस दीज आर कॉन्सेंट्रेटेड इनको ब्रेक डाउन करना पड़ता है पहले. दीज गेट्स ब्रोकन डाउन बाय सॉइल माइक्रोब्स. सॉइल में जो माइक्रोब्स होते हैं वो इसको पहले ब्रेक डाउन करते हैं और फिर ये प्लांट्स को अवेलेबल होता है. तो इसलिए इसको कॉन्सेंट्रेटेड मैन्योर बोलते हैं, राइट? नाउ कमिंग टू द फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन.
अब जो हमने ऑर्गेनिक मैन्योर्स देखा वो हम कब अप्लाई करते हैं, दीज आर अप्लाइड वाइल प्रिपेयरिंग द लैंड। तो आपका लैंड आप जब प्रिपेयर कर रहे हैं, सॉइल जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिक मैन्योर को हम तब अप्लाई करते हैं सॉइल के साथ। दिस इम्प्रूव स्ट्रक्चर एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। तो तब यूज़ करने से क्या होता है कि ऑर्गेनिक मैन्योर जो है वो सॉइल का स्ट्रक्चर और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं। पर फर्टिलाइजर्स, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जब हम यूज़ करते हैं, दीज आर नॉर्मली अप्लाइड जस्ट बिफोर और सून आफ्टर प्लांटिंग। जब आपने प्लांट लगाने वाले हो या लगा दिया है, तब आप फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, बिकॉज फर्टिलाइजर्स डायरेक्टली अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। क्योंकि फर्टिलाइजर्स आर समथिंग दैट वुड बी टेकन अप डायरेक्टली बाय द प्लांट। नाउ व्हेन शुड यू अप्लाई द फर्टिलाइजर, दैट फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ क्रॉप, द टाइप ऑफ सॉइल एंड द टाइप ऑफ एंड विच सीजन इज दैट। सो इट डिपेंड्स ऑन दैट। नाउ there are solid fertilizers also and there are liquid fertilizers also. So how do we apply the solid fertilizers? That could be basal application and top dressing, right? Solid fertilizers hamesha broadcasting kiya jata hai. To basal application kya hota hai, that is done prior to sowing or planting. Matlab aapka plant aap soil mein dal rahe ho uske pehle jab aap फर्टिलाइज़र को अप्लाई करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड बेजल एप्लीकेशन। दैट इज़ जस्ट बिफोर द लास्ट प्लाउइंग। आपने लास्ट में जब अपने नर्सरी बेड में प्लाउइंग किया उसके बाद अप्लाई करना है। एंड टॉप ड्रेसिंग इज़ व्हेन ब्रॉडकास्टिंग ऑफ फर्टिलाइज़र इज़ डन इन स्टैंडिंग क्रॉप, राइट। सो आपने फील्ड में प्लांट्स लगा दिए हैं और आपके प्लांट्स अभी फील्ड में है, सो दैट इज़ अ स्टैंडिंग क्रॉप। एंड तब आप फर्टिलाइजेशन करते हो तो दैट इज़ कॉल्ड टॉप ड्रेसिंग, राइट। देन प्लेसमेंट ऑफ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर को कैसे प्लेस करना है सॉइल में, तो तीन मेथड्स है, प्लाउ फरो, सिंगल बैंड प्लेसमेंट, डीप प्लेसमेंट एंड रिंग प्लेसमेंट, राइट। सो वॉट इज प्लाउ फरो? दिस इज एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर इन नैरो बैंड्स beneath and by the side of crop row or furrow. Yeah, okay, so we can understand with this diagram. तो आपने इस तरीके से plow करके रखा है तो आप ये जो आपने rows बनाए हैं उसके side में आप जब fertilizer एक band में add करते हैं तो that is called band placement or plow furrow placement. So दिस इज़ डन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्लाउइंग। जब आप प्लाउइंग करते हैं तब ये करते हैं। तो सिंगल बैंड प्लेसमेंट क्या होता है, फर्टिलाइजर्स आर अप्लाइड ऑन द साइड ऑफ द प्लांटेड रो। एक ही साइड में जब अप्लाई करते हैं रो के तो दैट इज़ कॉल्ड सिंगल बैंड प्लेसमेंट। डबल बैंड मतलब अगर दोनों तरफ अप्लाई किया रो के तो दैट इज़ कॉल्ड डबल बैंड प्लेसमेंट, राइट। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट type of placement, deep placement. This is practiced for the application of nitrogenous and phosphatic fertilizers and this is mainly recommended in dry land agriculture. तो इसमें क्या होता है, deep placement में इस तरीके के balls होते हैं जो nitrogen और phosphate का balls होता है, इसको इस तरीके का instrument होता है उससे करते हैं। ये जो funnel है इसमें ये ball रखा हुआ है एंड देन इस इंस्ट्रूमेंट को इस लैंड में प्रेस करते हैं तो ये जो बॉल्स है दीज गो इनसाइड एंड दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द प्लांट। सो दिस इज़ मेनली डन इन राइस फील्ड। राइस में जहाँ पे ड्राई लैंड एग्रीकल्चर होता है वहाँ पे इस तरीके से डीप प्लेसमेंट करते हैं। देन रिंग प्लेसमेंट इज वेयर द क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइज़र पर प्लांट इज़ कैलकुलेटेड। मतलब आपके एक प्लांट को कितना फर्टिलाइज़र चाहिए वो कैलकुलेट किया जाता है एंड दैट इज़ अप्लाइड एट सम डेप्थ अराउंड द प्लांट सर्कल। तो प्लांट के सर्कल में आप सर्टन डेप्थ में फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड रिंग प्लेसमेंट। दिस इज़ हाउ फर्टिलाइजर्स कैन बी प्लेस्ड। Now application of liquid fertilizers could be in two ways, foliar application and fertigation.
So what is foliar application? This can be used with fertilizer nutrient readily soluble in water. Foliar application मतलब as the name suggests, आप directly plant के leaf पे spray कर रहे हो. But ऐसा जो fertilizer है हम use करते हैं तो it should be soluble in water. Water में soluble होना चाहिए और फिर apply कर सकते हैं. It is also used when there is a soil fixation problem. तो अगर आपका soil ऐसा है जहाँ पे easily fertilizer absorb नहीं हो रहा है तो तभी भी आप इस type का spray कर सकते हैं. Nutrient concentration of 1-2% can be applied without causing injury to the foliage. अभी इसमें एक चीज़ का ध्यान ये रखना पड़ता है कि आपका आप जब foliar spray कर रहे हो तो nutrient concentration जो है वो 1-2% ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा परसेंटेज यूज़ करेंगे तो बहुत चांसेस है कि आपका फोलियज को इंजरी हो जाएगा क्योंकि डायरेक्ट न्यूट्रिएंट मिल रहा है. सो कॉमनली यूज्ड ओनली टू अप्लाई माइनर एलिमेंट्स और टू सप्लीमेंट द मेजर एलिमेंट्स. मेजर एलिमेंट्स जैसे नाइट्रोजन फॉस्फरस होता है उसको कभी भी इस तरीके से स्प्रे नहीं किया जाता, पर आप माइनर एलिमेंट्स का स्प्रे इस तरीके से कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज फर्टिगेशन. सो फर्टिगेशन इज एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर थ्रू इरिगेशन वाटर. मतलब आप जो पानी दे रहे हैं उसके थ्रू आप फर्टिलाइजर्स देते हो तो दैट इज कॉल्ड फर्टिगेशन. सो या सो दिस इज फर्टिगेशन, राइट. आपका जो इरिगेशन पाइप है उसमें से इस तरीके से फर्टिलाइज़र का ड्रॉप गिरता रहेगा और प्लांट को फर्टिलाइज़र मिलेगा. सो बट व्हेन एन एलिमेंट फॉर्म्स अ प्रेसिपिटेट विथ अनदर सब्सटेंस कॉमनली फाउंड इन इरिगेशन वाटर तो देन दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज नॉट एडवाइजेबल. तो आपके फर्टिलाइज़र में कुछ ऐसा एलिमेंट है जो इरिगेशन वाटर के साथ प्रेसिपिटेट बना रहा है, राइट. तो तब इस मेथड को नहीं यूज़ करना है, क्योंकि अगर प्रेसिपिटेट बन गया तो इट विल डिपॉजिट समवेयर इन द पाइप और इन द सॉइल एंड दैट विल अल्टीमेटली हार्म द प्लांट. द सिस्टम इज़ यूज थ्रू ड्रिप इरिगेशन. सो इस तरीके से ड्रिप इरिगेशन यूज़ होता है और मेजरली जो मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं नाइट्रोजन वगैरह उनके लिए फर्टिगेशन को यूज़ करते हैं. उसके अलावा पोटेशियम और हाईली सॉल्यूबल फॉर्म्स ऑफ जिंक एंड आयरन को भी इस मेथड से अप्लाई करते हैं. नाउ व्हाट आर द वेरियस केयर एंड मेंटेनेंस दैट यू नीड टू टेक इन नर्सरी. तो नर्सरी में तो बहुत सारे प्लांट्स होते हैं तो नर्सरी का केयर एंड मेंटेनेंस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. तो एक अच्छी नर्सरी है तो वहाँ पे ये सारे ही स्टेप्स केयर एंड मेंटेनेंस के फॉलो होने चाहिए, ये सारी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए. फर्स्ट इज शेडिंग. शेडिंग क्यों करते हैं? ताकि प्लांट को प्रोटेक्शन मिले. तो अ गुड नर्सरी शुड हैव अ गुड शेड सो दैट द ऑल द सीडलिंग्स एंड प्लांट्स गेट्स गुड प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्श हीट एयर विंड वाटर, राइट. सेकेंड इज थिनिंग. थिनिंग का मतलब होता है कि अगर अनइवनली प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं, लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं एक साथ चार है, एक साथ दो है, एक साथ तीन है, तो यहाँ से प्लांट्स को हटा के एक प्रॉपर रो में रखना ताकि ओवरक्राउडिंग ना हो जाए और प्लांट्स को अपना खुद का स्पेस मिले. सो दैट इज़ कॉल्ड थिनिंग. दिस इज़ आल्सो अ वेरी इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी इन नर्सरी. थर्ड इज़ वाटरिंग. एवरी प्लांट रिक्वायर्स वाटर. किस प्लांट को किस तरीके से पानी डालना है, क्योंकि हर प्लांट का वाटर रिक्वायरमेंट अलग होता है. एंड सीडलिंग्स को आप डायरेक्टली पाइप से डाल नहीं सकते, सीडलिंग्स मर जाएंगे, राइट. सो यू नीड टू नो वेर यू नीड टू यूज़ वाटरिंग कैन, वेर यू नीड टू यूज़ पाइपलाइंस. फोर्थ एक्टिविटी इज वीडिंग. वीडिंग इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट स्टेप. अगर आप वीडिंग नहीं करेंगे तो आपके नर्सरी में इमेंस अमाउंट ऑफ कॉम्पिटिशन हो जाएगा. आपके जो एक्चुअल प्लांट्स को ग्रो कर रहे हो उसका न्यूट्रिएंट्स वीड्स यूज़ करने लगेंगे, विच इज़ नॉट गुड, राइट. सो इट कुड बी हैंड वीडिंग लाइक दिस और इट कुड बी होइंग.
Then hardening of seedlings. Now this is also a very important step. हार्डनिंग का मतलब होता है कि एक सिडलिंग जो प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में ग्रो हुआ, अब उसे मुझे बाहर के हार्श एनवायरनमेंट में ले जाना है, तो मैं उसे डायरेक्टली प्लेस नहीं करूँगी हार्श एनवायरनमेंट में. मैं क्या करूँगी, जैसे मेरा ये सिडलिंग्स डेवलप हुआ, नाउ स्लोली स्लोली आई विल स्टार्ट एक्सपोजिंग टू द आउटर एनवायरनमेंट. फॉर एग्ज़ाम्पल, अब तक इसको डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिलता था, सो For 5 days I'll keep it in 2 hours sunlight. Then for 10 days, next 5 days I'll keep it in 4 hours sunlight. And like this I will acclimatize the plant. So the process is called acclimatization. मतलब plant को बाहर के environment की habit डालना. That is called hardening of seedlings. And this is also a very important step. Next is staking. स्टेकिंग मतलब आपके नर्सरी में कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे जिनको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, टोमेटोज रिक्वायर सपोर्ट. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वुड का यूज़ किया है और यहाँ पे बांध के भी रखा है इस प्लांट को, तो दैट इज़ कॉल्ड स्टेकिंग. तो स्टेकिंग का भी प्रोविज़न आपको नर्सरी में होना चाहिए, जिसका ध्यान रखना है. देन 7 इज डी शूटिंग. डी शूटिंग मतलब कि आपके प्लांट में जो साइड ब्रांचेज है उसको कट करना, ताकि सारा जो एनर्जी है जो प्लांट का साइड ब्रांचेस में जा रहा था वो एपाइकल ब्रांचेस में जाए और एपाइकल ग्रोथ अच्छे से हो. तो दिस इज़ रिमूविंग साइड शूट्स. देन डिसबडिंग. डिसबडिंग इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी इन अ फ्लावर नर्सरी, जहाँ पे आपको मैक्सिमम फ्लावरिंग, बड़े फ्लावर्स चाहिए. तो उसके लिए क्या करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप जो प्लांट देख रहे हैं, इसमें यहाँ पे दो बर्ड्स है और बीच वाला फ्लावर बन गया है. तो हम क्या करेंगे, ये दो बर्ड्स को रिमूव कर देंगे. तो जो एनर्जी ये दो बर्ड्स को बनाने में जा रही है, वो सारी एनर्जी अब जाएगी इस फ्लावर को बड़ा बनाने में. तो इस स्टेप को जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिसबर्डिंग, अगर आपको बहुत बड़े फ्लावर्स चाहिए तो. So this is removal of floral buds when a large flower on a plant is desired. Next is pinching. A pinching is a process where you require, it is the removal of growing tips of vegetative buds. Vegetative buds का जो growing tip होता है उसको remove करना, ताकि बहुत अच्छा bushy growth हो सके. मतलब आपका plant जो है वो bushy बने. फॉर मोर लेटरल फॉर्मेशन, ज़्यादा लेटरल यानी कि साइड ब्रांचेस बने और अच्छे फ्लावरिंग बने. तो वो कैसे करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा आपका प्लांट है जिसमें इस तरीके से ये दो ओल्ड लीफ है और ये नए लीफ आ रहे हैं, तो आपको नए लीफ को रिमूव कर देना है. तो आप जब नया लीफ रिमूव करेंगे तो ये आपके दो ओल्ड लीफ रहेंगे. अब क्या होगा, जो नेक्स्ट ग्रोथ आएगा ना, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से दो और शूट्स बनते हुए दिखाई देंगे. तो दिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ मोर बुशी हैबिटेट, दैट इज़ कॉल्ड पिंचिंग. नेक्स्ट इज़ प्रूनिंग. दिस इज़ प्लांट रिमूवल ऑफ ट्विग्स, ब्रांचेस, शूट्स, लिम्स और रूट्स. आपके प्लांट में जो भी अनवांटेड चीज़ है, जो अच्छी नहीं लग रही, जो सूख गई है, वो सबको रिमूव करना, दैट इज़ कॉल्ड प्रूनिंग. So these are certain activities that are important. Now finally we will look into the general layout of a nursery. So आपका जो nursery है वो main road के पास होना चाहिए, right? It should have a main entrance. तो सबसे पहले आपको पूरा area demarcate करना है, मतलब पूरा area separate करना है. फिर उसको अलग अलग रेक्टेंगुलर पॉट्स पार्ट्स में डिवाइड करना है, प्लॉट्स में, राइट? आपको कौन से प्लॉट में, प्लॉट को कितनी जगह देनी है वो डिवाइड करना है. हर एक मेन प्लॉट को पाथ से डिवाइड करना है, राइट? और जो प्रेजेंटेबल आइटम्स होती है वो आपको आगे रखनी है, और जो लेबरस आइटम होती है वो सब पीछे रखना है. तो अगर आप इस नर्सरी में देखो, जैसे आप मेन रोड से एंटर होते हैं, तो दिस इज़ द मेन गेट, राइट? मेन गेट के यहाँ पे आपको सबसे पहले ऑफिस दिखती है, जहाँ पे सारा अकाउंटिंग का काम होता है, राइट? आपको जिनसे भी मिलना है आप मिल सकते हैं. देर इज़ लेबर शेड,
देर इज़ पार्किंग एरिया आपका व्हीकल पार्क करने के लिए एंड स्टोर रूम. सो ऑल द बिल्डिंग्स आर हियर इन द फ्रंट. देन इस साइड में प्लांट लाइब्रेरी रखी है जहाँ पे आपके प्लांट्स की इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं कि प्लांट जो है कौन से हैं, कितने हैं, वो प्लांट में क्या है. दैट इज़ कॉल्ड प्लांट लाइब्रेरी. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हियर ऑल द सैपलिंग्स, पॉटेड प्लांट्स, जो भी ऑर्नामेंटल्स हैं वो रखे हैं, सीडलिंग्स रखे हैं. और ये जो है ये मेन पाथ है. मेन पाथ जो है वो और छोटे छोटे पाथ्स में डिवाइड होता है बेड के बीच में से. यहाँ पे प्रोपोगेशन बेड है, शेड नेट हाउस है, ग्रीन हाउस को पीछे रखा है, राइट. और कंपोस्ट एरिया आपका, क्योंकि नर्सरी में बहुत सारा वेस्ट निकलता है, लीफ लिटर निकलता है, तो आप यहाँ पे कंपोस्ट एरिया रख सकते हैं. और सॉइल डंपिंग, मतलब क्योंकि नर्सरी में सॉइल की ज़रूरत है तो यहाँ पे पीछे आप सॉइल भी पूरा रख सकते हैं. दीज आर द मदर बेड्स, मतलब वो बेड्स जहाँ से आप एक्चुअली में सीडलिंग बनाए जाते हैं, यहाँ पे से कटिंग्स लिए जाते हैं जिसमें से फिर प्रोपोगेशन होता है, राइट. एंड देन यू शुड हैव अ वेल वाटर सोर्स. ये सोर्स में से हर जगह इरीगेशन वाटर स्प्रेड होता है, राइट. सो दिस इज़ अ जनरल लेआउट ऑफ अ नर्सरी. बट अपार्ट फ्रॉम दिस देर कुड बी एन नंबर ऑफ वेरिएशंस दैट यू कैन ऐड. दिस इज़ जस्ट अ जनरल लेआउट, राइट. या सो की प्रोविजन ऑफ इरीगेशन चैनल्स, सब जगह बीच में जहाँ पे भी प्लांट्स है आपके पास इरीगेशन चैनल्स होने चाहिए. सो दैट इज़ इट अबाउट प्लांट नर्सरी. If you have any other questions and if you want to ask, you can just let me know. Yeah, thank you.